सो इट विल बी अ रॉकिंग सेशन एंड आई प्रॉमिस यू जो भी मैंने सीखा है पिछले 25 साल में वो सब मैं सिखाने की कोशिश करूँगा एक घंटे में और रिलेटेड टू मनी क्योंकि मनी मेरे लिए बहुत पैशनेट टॉपिक रहा है तो कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं जिनको लगता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक ठीक <laughs> है और कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं ठीक है जीक. और कितने लोग हैं जो खुश भी रहना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं ठीक है सो ये टॉपिक बेसिकली रिलेटेड टू मनी होगा इसमें हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नए हों और आपको लगे कि ये सच नहीं हो सकता और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हों जो आपको ऑलरेडी पता हों क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 90 परसेंट इन्फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट की जाती है वो हमें पता होती है बट 10 परसेंट इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसी भी होती है जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है तो मैं दोनों ही चीज़ों पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा ताकि दोनों ही एंगल का ध्यान रखा जा सके सो विल बी प्रेजेंटिंग ऑन मनी और करंट uh, मनी और फ्यूचर मनी अच्छा कितने लोगों को लगता है कि अगर सैलरी डबल हो जाए तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा सबको लगता है ना? ठीक है कितने लोग हैं जो पहले विलेज बैकग्राउंड से थे और फार्मा या सन फार्मा में आने के बाद ही वो सिटीज़ में आए ठीक है तो एटलीस्ट मतलब वन थर्ड ऑफ द पीपल हु आर डायरेक्टली फ्रॉम द विलेजेस देन दे केम टू द सिटी कितने लोग हैं जो ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं अपनी कंपनी की तरफ से सो ऑलमोस्ट एवरीबडी तो सब ने वो सपना भी पूरा कर लिया जो शायद कुछ लोगों का कभी सपना नहीं भी रहा होगा या आने के बाद बना होगा दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्वाइट पॉसिबल कुछ ने पहले सपने देखे हों कि वो घूमने जाएंगे और कितने लोग हैं जो अनमेरिड हैं ओके और कितने लोग हैं जो मैरिड हैं ओके okay. एंड कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं हाँ दस साल से बड़े हैं ठीक है तो इट इज़ यंग क्राउड है मेरे भी दस साल से बड़े <laughs> एक पुलक सर के भी होंगे <laughs> ठीक है सो वील कीप इट यंग प्रेजेंटेशन जो यंग लोगों को प्रेजेंट करे देखिए इंसान जो है वो हमेशा खुश रहना चाहता है वैसे खुश वर्ड से मुझे मन की शांति बेटर लगता है बट खुश वर्ड जो है वो ज़्यादा बिकने वाला वर्ड है या ज़्यादा जल्दी समझ आने वाला वर्ड है तो ब्रीफली मैं दो पाँच मिनट में आपको समझाऊंगा कि खुश रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसके बाद हम डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि है मनी और करंट सिचुएशन में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं जब भी लोग खुश रहने की बात करते हैं तो आपने मेडिटेशन और नींद के बारे में सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि खुश रहने के लिए मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है ना उसके लिए आपको निर्वाणा या मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल कोर्स करने की जरूरत है क्या मुझे मोक्ष प्राप्त है मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले चार पाँच साल से मुझे मोक्ष प्राप्त है कैसे प्राप्त है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो मेरा हम्बल सजेशन ये होगा कि मेडिटेशन जो है वो ग्रेजुएशन की तरह है और नींद जो है वो बेसिक्स है जैसे प्राइमरी स्कूल होता है तो पहले अगर आपको टाइम पे नींद आएगी तभी आपको मोक्स प्राप्त होगा अगर आपको टाइम पे नींद नहीं आती है तो आपके मोक्स प्राप्त करने के चांसेस काफ़ी कम हैं मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो मेडिटेशन कोर्सेज़ में जाते हैं और उसके बाद साइकैट्रिस्ट के पास आते हैं घबराहट हो जाती है उनको या स्ट्रेस ज्यादा हो जाते एक नहीं बहुत सारे देखे हैं ठीक है और जबकि मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ तो आई एम नॉट अगेंस्ट मेडिटेशन बट अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसकी पहली सीढ़ी है आपको चैन की नींद आनी चाहिए उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं ठीक है ये वो एरियाज हैं मान लीजिए आपको लाइफ में पाँच नंबर मिलने वाले हैं ठीक है तो पाँच नंबर में से हर जो एरिया है उसके दो दो मतलब पाँच टॉपिक्स हैं जिसमें से दो दो नंबर मिलने वाले हैं तो दस में से टोटल कितने मिलेंगे आप खुद को खुद ही दे सकते हैं तो कितने लोग हैं जो हेल्थ में जानते हैं किसी जानने वाले को जिसको डायबिटीज़ या शुगर हो जो चालीस से भी छोटा हो जानते हैं फोर्टी ईयर से भी छोटा हो उसको डायबिटीज़ हो हाथ खड़े रखिएगा किसी को ब्लड प्रेशर हो जो फोर्टी से भी छोटा हो ठीक है किसी को हार्ट अटैक हुआ हो जो फोर्टी से भी छोटा हो ठीक है कितने लोग हैं जो रात को ग्यारह बजे के बाद सोते हैं ठीक है सो so, ठीक है तो इसमें क्या है ये है हेल्थ अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको लगभग दस बजे के आसपास सो जाना चाहिए अब मैं लगभग सात में से पाँच दिन तो सो जाता हूँ दस बजे कोशिश करता हूँ बट सो जाता हूँ होपफुली तो एक तो हेल्थ हो गया ठीक है सेकेंड इज वेल्थ कितने लोगों को लगता है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है पैसों के मामले में एक दो तीन सर आप भी नहीं ठीक <laughs> है तो ये तो वेल्थ हो गया तो हमें पैसे भी चाहिए नहीं पैसा होगा तो बात कैसे बनेगी जैसे शुरू में तो ये होता है लोग ये पूछते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है जब हम छोटे होते हैं और बाद में लोग क्या पूछते हैं कितने कमाई, कमाई की है ना तो एंगल जो है वो चेंज हो जाता है पच्चीस साल तक ही लोग पूछते हैं कि कितनी पढ़ाई की है उसके बाद क्या पूछते हैं कितनी कमाई, कमाई की है उसके बाद है सोशल लाइफ इसका मैं आपको सिंपल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कम से कम लाइफ में तीन लोग होने चाहिए जिनसे हम दिल की बात कर सकें अगर तीन लोग हमारी ज़िंदगी में हैं तो हम खुश लोगों में से हैं क्योंकि अभी की जो रिसर्च है जो अमेरिकन रिसर्च है वो ये कहती है कि डेढ़ लोग हैं लगभग लोगों के आसपास जिनसे वो दिल की बात कर सकते हैं और एक दिन में हम छः से ज़्यादा लोगों से बात कर भी नहीं पाते तो अगर किसी के पास छः या उससे ज़्यादा लोग हैं तो वो इमोशनली रिच है और अगर तीन या उससे कम लोग हैं तीन से कम दो या एक तो उसके हिसाब से हम सोशली आइसोलेटेड हैं ऐसे एक ना एक फ्रेंड तो सबके पास होगा जिससे वो बात कर सकते हैं है ना एक ना एक फ्रेंड तो होगा जिससे सबसे बात कर सकते हैं बट एक फ्रेंड की प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वो बिजी हो उसका अपने मंथ एंड चल रहा हो या कोई और इशू हो तो आपका फ़ोन ना पिक कर पाए तो अगर आपके पास तीन चार ऑप्शन होंगे तो आपकी तीन चार लाइफ होंगी तो कम से कम तीन लोग होने चाहिए सोशली जो आपको खुश रखें उसके बाद मेंटल ग्रोथ का मतलब है जैसे प्रमोशन होती है तो हमें एक अब जैसे इंसेंटिव मिलता है या प्रोफेशनल ग्रोथ होती है या हमें पता है कि एक ट्रिप ड्यू हो जाएगा अगर हम इतना क्वालिफाई कर लेंगे तो वुड वी बी हैप्पी येस और नो है ना तो काफ़ी सारी रिसर्च में शुरू में लगता था लोगों को कि ना जो इंसान है वो ज़्यादातर जो काम है वो खुश रहने के लिए करता है बट जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये नहीं कहती वो ये कहती है कि लोगों को ना ग्रोथ और प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसके बारे में सिर्फ पेन स्नो बाइट्स और ये सब भी होगा लेकिन उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी जैसे इवन मैराथन भागते हैं जैसे मैं खुद मैराथन रनर हूँ तो एक बार uh, मैं घर आया और मेरी वाइफ ने पूछा कि तुम्हें क्या मिलता है अपनी टांगे तोड़वा के मतलब वट एक्चुअली यू गेट तो मैं उसको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाया बट मज़ा तो मुझे आता था तो मैंने रिसर्च करी कि क्या मिलता है तो मुझे एक डैन एरियली का यूट्यूब वीडियो मिला उसमें था कि एक्चुअली हम खुशी के लिए काम नहीं करते हैं हम काम करते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है जैसे मान लीजिए आपका मंथ एंड आ रहा है और आपको लगता है कि ये रिपोर्ट पूरी करनी है तो अगर आप खुश ना भी हो तो भी आप उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे कई बार पढ़ाई बच्चा तब भी करेगा जब उसका मन नहीं करेगा अगर उसको लगेगा कि इस एग्जाम में पास होना करेंगे कि नहीं करेंगे तो इसलिए ये मिथ है लोगों की हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय सक्सेस के क्योंकि बाकी लोग सब यंग हैं मैं 42 का हूं सर कुछ साल के बाद रिटायर होने वाले होंगे उसके बाद भी सेंस ऑफ पर्पस जो है वो रहना चाहिए अगर सेंस ऑफ पर्पस रहता है तो लोग खुश रहते हैं नहीं तो वो खुश नहीं रहते क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने यंग क्लिनिक पे देखे हैं अपने पेशेंट्स जो बीस पच्चीस साल में पढ़ाई नहीं करते काम भी नहीं करते और घर वालों पर डिपेंडेंट होते हैं तो मुझे तो यही लगता है जैसे वो रिटायर हो गए मतलब उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई उसी टाइम तो इसलिए हमें ग्रोथ भी चाहिए स्पिरिचुअल का मतलब हुआ मन की शांति ठीक है तो हमें इन पांच में से कम से कम सात आठ नंबर तो चाहिए खुश रहने के लिए अगर सात आठ नंबर नहीं आएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और ये नंबर बदलते रहेंगे जब आप मेहनत करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे और जब आप नहीं मेहनत करेंगे तो नंबर बदल जाएंगे ठीक है तो छोटा सा बता देता हूँ इसके लिए सोना चाहिए एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी खाना चाहिए मेडिटेशन भी करनी चाहिए रात को दस बजे सोना चाहिए और संडे को भी टाइम पे उठना चाहिए आइडली देन एक्टिविटी वो होनी चाहिए एक्सरसाइज में जिसमें आपको मजा आए और जो रेगुलर आप कर सकें चाहे दस मिनट ही करें पांच या दस मिनट करें इतना ही काफी है स्टार्टिंग में इतना ही काफी है क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है उनको भी यही बोलते हैं आप पांच मिनट वॉक कीजिए सुना होगा आपने किसी अगर रिश्तेदार को पता लगे बिकॉज होता क्या है कि जब भी हम कोई बात करते हैं हम अचानक सोचते हैं जैसे आज मनी की बात करेंगे तो अचानक हम सोचेंगे कि हम बीस सैलरी बचा लें तो ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो लेकिन अगर मैं बोलूँ सौ रुपये बचा लो महीने का ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तो होता क्या है कि जब हम छोटी हैबिट से स्टार्ट करेंगे और अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे तो हमें ज़्यादा मजा आएगा रादर देन हम कोई बहुत बड़ा काम करें और डायरेक्टली वो कई बार शायद पॉसिबल भी ना हो तो जितनी छोटे एक्सरसाइज से शुरू करें उतना बेटर है पाँच मिनट दस मिनट और मोटिवेशन uh, का जब लेक्चर मैंने लिया था तो यहाँ पर मेरा पहला लेक्चर था जो तो मैंने टू में लिया था शायद मोटिवेशन का जनवरी में उसमें मैं ही ज़्यादा इमोशनल था बजाय मुझे ये चिंता होने की कि मैं क्या किन के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ मुझे ये चिंता थी कि मेरी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाए तो उस दिन मुझे याद है ललित से बात हुई थी और ललित ने मुझे कहा था कि मुझे मुझे भी पतला होना है तो मैंने कहा मैंने कहा एक्सरसाइज करोग कब कहाँ करूँ मैंने कहा कोई नहीं रेडिसन ब्लू में चक्कर लगा ले शाम को तो इफ़ एयर ही रिमेंबर्स तो पहला चक्कर एक्सरसाइज का उसने उसी दिन लगाया था अब दस मिनट लगाया बीस मिनट या तो ललित को याद होगा तो आप ऐसा नहीं एक तो काम कितना करना है हमें छोटा सा और कब करना है अभी जैसे अभी भी जो आप सीखेंगे अगर आपने अभी कुछ किया या विद इन ट्वेंटी फोर आवर नहीं किया तो चांसेस हैं कि आप वो काम नहीं करेंगे तो इसलिए काम को बिल्कुल छोटा बनाना चाहिए जो कि पॉसिबल हो और अभी पॉसिबल हो जैसे अभी पर्स से निकाला और सौ रुपया रख लिया जिसको हम घर जाके जमा कर देंगे तभी हम अमीर हो पाएंगे नहीं तो नहीं ठीक है Uh, खाना के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे ये मेडिटेशन का है खुश रहना चाहिए दिल की बातें करने के लिए लोग होने चाहिए बहुत बार ऐसा होता है मन की बात हो जाए तभी मन हल्का हो जाता है फैमिली uh, और रिलेशन्स तो होने ही चाहिए बट एक मैसेज जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि सारे घर वाले मुझे भी यही सिखाते थे बचपन में कि ना फ्रेंड्स होने मतलब फैमिली होनी चाहिए और रिश्तेदार होने चाहिए जबकि फ्रेंड्स और सोशल लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बल्कि फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या रिश्तेदार फ्रेंड्स देखो सभी ने खुद ही बोला उसका रीज़न क्या है फ्रेंड हम चूज़ करते हैं कौन चूज़ करता है फ्रेंड हम खुद चूज करते हैं कैसे लोगों को चूज़ करते हैं जिनको हम पसंद करते हैं तो हमारी मर्जी होती है तो फ्रेंड्स भी होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि और दूसरा क्या है कि वो आपकी सोशल लाइफ में बिल्कुल बीच में नहीं है तो वो अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं जो हम नहीं दे सकते कई बार ठीक है और कई बार हमारी तब भी सपोर्ट कर सकते हैं जब हम सपोर्ट के लायक नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रेंड है तो उसको यही करना पड़ेगा और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल वर्क भी करना चाहिए सोशल वर्क में क्या करना चाहिए क्या छोटी छोटी चीज़ें बाद में बात करेंगे मेंटल की हमने बात की जैसे ग्रोथ तो होनी चाहिए अगर लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा अब हम बात पे आ जाते हैं पैसे है। पे अब ये मुझे बताइए कि मान लीजिए आपकी इनकम पांच गुना बढ़ जाती है इस प्रेजेंटेशन के बाद तो वुड यू बी हैप्पी हाथ खड़ा है ना तो अमेज एंड हैप्पी तो अगर अब आप, आपकी इनकम पांच गुना बढ़ गई तो आप क्या क्या, क्या करेंगे बताइए फॉरेन ट्रिप है ना? है खर्च, कोई बात नहीं उसमें क्या हो गया तो वर्ल्ड ट्रिप करेंगे और हैं कार और घर लोन चुकाएंगे चुकाएं। <laughs> और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे या मतलब चेंज करेंगे इन्वेस्ट <laughs> <laughs> करेंगे गर्लफ्रेंड बनाएंगे मतलब वो भी पैसे से ही बनती है ना ब्रांडेड ब्रांडेड ड्रिंक पियेंगे हाँ बिना ब्रांड का लेती है तो ब्रांडेड ड्रिंक पियेंगे ना चलो वो मुझे आता नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं <laughs> ठीक है तो अगर एक और सवाल पूछता हूँ मैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपकी मेंटालिटी को खोलेगा अगर आपको कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको एक करोड़ रुपया मिलेगा या लगभग बारह साल तक एक लाख रुपया पर मंथ मिलेगा तो कितने लोग हैं जो एक करोड़ की ऑप्शन को चूज करेंगे जो कल ही मिल जाएगा बताओ मेजोरिटी और कितने लोग हैं जो एक लाख की ऑप्शन को चूज करेंगे जो अगले बारह साल तक मिलेगा जो एक करोड़ की ऑप्शन को चूज करेंगे वो क्यों चूज करेंगे वो प्लीज बताइए कल ही मिल जाएगा और, और एक करके उसको सर इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं और उससे अर्निंग बढ़ जाएगी ठीक है और जल्दी खुशी मिल जाएगी, <laughs> जल्दी मिल जाएगी। उसका भी वे, है। मतलब बेसिकली वेट नहीं करना पड़ेगा जल्दी खुशी मिल जाएगी और आप जल्दी खर्चा कर पाएंगे जो जो आप करना चाहते हैं हैं आपके सपने रुके हुए हैं पैसे की वजह से अच्छा जो लोग एक लाख रुपया बारह साल तक चाहते हैं लगभग मैंने कैलकुलेट किया था तो वो बारह इंटू बारह फोर्टीन लगभग उतना ही कॉस्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन वगैरह मिला के या पंद्रह साल मान लीजिए वो एक लाख पर मंथ क्यों चाहते वो बताइए और इन्वेस्ट तो एक करोड़ वाले भी कर रहे हैं वेरी गुड और एनीथिंग एल्स <laughs> एक बार की खुशी से अच्छा है की हर में लेकिन सौ गुना खुशी नहीं मिल रही वो तो हार्ट अटैक <laughs> भी ज्यादा खुशी से हार्ट अटैक भी आ सकता है, <laughs> आ सकता है। <laughs> सही बात है एक्चुअली uh, बोलना नहीं चाहिए बट जिन्होंने करोड़ चूज किया है वो लोग बेवकूफ हैं <laughs> अब देखो मुझे तो सच्चा सेमिनार प्रेजेंट करना है, ना मजाक नहीं करना मुझे वैसे मजाक करना है प्रेजेंटेशन में बट uh, उसका नहीं रीजन रीजन क्या है कि जितने भी लोगों की करोड़ों की लॉटरी लगती है उसमें से काफी परसेंटेज बर्बाद हो जाते हैं गेस्ट कीजिए कितने परसेंट बर्बाद होते होंगे नाइनटी परसेंट बर्बाद हो जाते हैं लगभग दो से पाँच साल में टू नाइन्टी फाइव परसेंट जो लोग हैं वो बर्बाद हो जाते हैं ऐसा क्यों होता होगा ग्रीडी तो हम अभी लालची नहीं है क्या बेसिकली एक करोड़ से दो करोड़ में इन्वेस्ट तो अभी आपके पास अगर बीस हजार है तो उसके चालीस अभी नहीं बना सकते ठीक है हाँ बताइए वेरी गुड देखो नॉर्मली अभी क्या बात की थी मान लो आपके पास एक करोड़ आ गया है ना क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल हो आपके एक घंटे के बाद कोई ना कोई दिमाग का दरवाजा खुल जाए चाहे एक खुले चाहे दस खुले बहुत ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं करना चाहता तो अगर एक करोड़ आएगा तो इसमें से क्या क्या करेंगे बताओ सारा कुछ तो कितने कितने लाख की गाड़ी लेंगे ऑडी <laughs> <laughs> अच्छा घर प्लीज आई एम सीरियस है सिंपल प्रेजेंटेशन बट ये है काफी सीरियस काफी सारी चीजें घर कितने का लेंगे फोर्टी लैक्स का और वर्ल्ड ट्रिप में कितना खर्चा करेंगे लगभग पांच लाख पांच लाख में वर्ल्ड ट्रिप नहीं होगा वैसे भी एक तरीके से हो सकता है वो मैं और इन्वेस्ट कितना करेंगे तीस लाख ठीक ये सवाल मैंने अपने बच्चों से भी पूछा था जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उनको मैंने ये ऑप्शन तो नहीं दी थी कि आपको एक लाख पर मंथ मिले बट एक बार क्या हुआ मैं इंडिगो फ्लाइट की वेट कर रहा था किसी एयरपोर्ट मुझे एयरपोर्ट का नाम याद नहीं है तो मैं राइटर की बुक पढ़ रहा था उसमें जो फिगर था वो लगभग पाँच करोड़ था तो मैंने अपनी वाइफ से ऐसे ही बात की बोर हो रहे थे टाइम पास करना था रात के दस बजे हुए थे अब दोस्तों को फ़ोन कर सकते हैं बीवी को और किसी को बात बात करना इतना लेट तो ठीक नहीं है तो इंटरेस्टिंगली मैंने अपनी वाइफ से बात करनी शुरू की कि मान लो हमारी पाँच करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो क्या क्या करेंगे और एक घंटा मैंने अपनी वाइफ से बात की उसके बाद एक घंटा मैंने और भी सोचा उसके ऊपर तो वैसे तो मैं भी खैर वो लाख पर लाख पर लाख वाला आदमी हूँ शुरू से ही अभी प्रजेंटेशन के बाद नहीं बट मैं अभी वन लाख पर मंथ वाला आदमी हूँ राधर देन वन करोड़ तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें तो शायद कभी बदलेंगी नहीं बच्चों को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा बच्चे तो ऐसा है नहीं कि अब आप हर महीने ही ट्रिप पर जा सकते हैं आप कितने ट्रिप पर चले जाएंगे तब मैंने पहली बार अपनी वाइफ से पूछा था कि अगर घूमने का मौका मिले हर साल तो आप कितनी बार घूम सकते हैं हमारे उस टाइम स्टैंडर्ड नहीं था कि हम जिस चाहे हॉलीडे पर जा सके एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे पर तो हम जा सकते थे जो करंट स्टैंडर्ड है उसके कम्पेरिजन में तो मुझे लगा कि साल में दो या तीन बार घूमना काफ़ी होगा मैक्सिमम पाँच बार घूम लेंगे पाँच बार का मतलब होता है लगभग ढाई महीनों में आप ट्रिप लगा रहे हैं और पिछले महीने में एक्चुअली मैं नौ बार घूमा कुछ ट्रिप्स दस दिन के थे कुछ दो दिन के भी थे कुछ एक दिन के भी थे कुछ एजुकेशनल ट्रिप्स भी थे कुछ सेमिनार्स भी थे कुछ मेरी प्रेजेंटेशंस भी थी बट मैं नौ बार गया और मुझे लगा कि काफ़ी हो गया इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है और फिर मैंने जब अपने बच्चों से ये सवाल पूछा फिर मैंने घर आया मैंने घर आके अपने बच्चों से सवाल पूछा कि तुम्हारी एक एक करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या बोलेंगे तो एग्जैक्टली उन्होंने भी यही कहा कि ऑडी गाड़ी खरीदेंगे अब ऑडी खरीदने का मतलब कितने की आएगी पच्चीस पच्चीस बस तो चालीस के आसपास की आती तो ढंग ठीक है बेसिक्स ट्वेंटी फाइव की आएगी है ना चलो ठीक है मतलब जो कार है वो पच्चीस तीस लाख की आ जाएगी एस भी तो लगवाएंगे ना उस टाइम हॉट हॉट गर्म गर्म पैसा आया होगा फिर उसके बाद घर जो है वो चालीस लाख का लेंगे चालीस लाख का कोई ढंग का घर आता है क्या मतलब जैसे द्वारका वगैरह में लेना होता है नहीं आता ना <laughs> मुझे मतलब पाँच करोड़ बोलना चाहिए अगली प्रेजेंटेशन से है ना लगभग ठीक है जो लोन है कितने लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ है बाय द वे शर्माइएगा मत ठीक है ये लोग तो फुल बेवकूफ हैं ठीक <laughs> <laughs> है क्योंकि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शब्द की जो है जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में होम लोन तक चल सकता है कुछ हद तक वेकल लोन भी एक्सेप्टेबल है टू एन एक्सटेंड बट पर्सनल लोन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी एंगल से ठीक है अब मेरे बच्चों ने भी क्या किया उन्होंने भी गाड़ी खरीद ली उन्होंने भी घर ले लिया उन्होंने भी लगभग 20-25 लाख की गाड़ी खरीद ली और एक्जेक्टली exactly 40-50 लाख का घर ही लिया था उसके बाद एक्चुअली जब एक करोड़ मिलेगा तो थर्टी परसेंट तो टैक्सी चला जाएगा जो आपने कैलकुलेट नहीं किया होगा तो सत्तर लाख रुपए ही मिलेंगे है ना और सत्तर लाख में से अगर हमने पच्चीस लाख की घर ले लिया और पच्चीस लाख की गाड़ी और चालीस लाख का घर तो हमारे पास पांच लाख बचे उसका हमने वर्ल्ड ट्रिप कर लिया है ना तो इसका मतलब तो छह महीने में वो पैसे जो है वो खत्म हो गए अभी तो आपने रिश्तेदारों को पार्टी नहीं दी दारू नहीं पी <laughs> कपड़े नहीं खरीदे <laughs> 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 क्या समझ आया इससे कोई बताना चाहिए हम्म <laughs> hmm? <laughs> एक वाला ठीक है आपने एक वर्ड यूज किया था ना कि बहुत सारा नाम क्या बेटा आपका <laughs> शैलेंद्र शैलेंद्र के लिए क्लैपिंग कीजिए पहले तो आप शैलेंद्र ने एक शब्द इस्तेमाल किया था शैलेंद्र ने कहा था कि हो सकता है इतना सारा पैसा आए तो उसको संभालने के लिए हमारे पास उतना दिमाग ही ना हो बोला था ना और आपने वही साबित कर दिया कि शैलेंद्र ठीक कह रहा था कि हमारे पास उतना दिमाग ही नहीं है उस पैसे को मैनेज करने के लिए क्योंकि जब लॉटरी लगती है तब भी एक्चुअली यही होता है हमेशा अगर मैं ये बोलता ना कि आपकी लॉटरी लग जाए तो आपको लगता नाइन हम तो उस दस परसेंट में होंगे लेकिन इस जो भी आपने बोला उससे क्या साबित किया कि आप किस में हैं सही बोलो ना जोर से नाइन्टी परसेंट में है ठीक है अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्चुअली ये बोला जाता है वेन ए रिच मैन है सॉरी वेन ए पर्सन विद मनी मीट्स द पर्सन विद एक्सपीरियंस सो द पर्सन विद मनी विल गेट एन एक्सपीरियंस एंड पर्सन विद एक्सपीरियंस विल गेट द मनी मतलब समझ आया इसका क्या समझ आया बताओ ठीक uh, है बेसिकली इसका फंडा ये है कि जब जो पैसा है अगर उसको संभालने की समझ हम में नहीं है एक्चुअली वो लोग अमीर नहीं होते जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग अमीर होते हैं जिनको पैसा मैनेज करना आता है दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन अगर मैं इसको यहां भी रोक दूं तो भी काम चल सकता है अगर आपको इतनी बात भी समझ आ जाए अभी तो हो गए हैं चौबीस मिनट तो वैसे तो इतनी बात भी समझ आ जाए तो दैट इज मोर देन सफिशेंट बिकॉज हमने गलती क्या की थी उस एक करोड़ में हमने सारा खर्च कर दिया सेविंग नहीं किया और गाड़ी को चलाने का हमारे पास खर्चा भी ना आपने जैसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने गांव में लोगों की जमीनें बिकते देखा होगा या जिनकी ज़मीनें बहुत महंगी हो गई तो क्या वो लॉटरी लगने के बराबर नहीं है आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि धूला जो है हेलीकॉप्टर में गया हाथी में गया पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए मैंने तो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं ये गुड़गावा वाला एरिया जो है फिर रोहिणी के पीछे वाला जो एरिया है नजफ़गढ़ के पीछे वाला जो एरिया है दिल्ली के रहने वाले हैं बाकी जो जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ भी कुछ एरियाज होंगे जो डेवलप हुए होंगे मैंने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है जैसे मैं द्वारका में ही रहता हूँ कि मेड़ ने आना अगले दिन से बंद कर दिया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी दो करोड़ की हो गई या पांच करोड़ की बिक गई मुआवजा मिल गया सुना होगा आपने ये सब चीजें है ना तो इसलिए क्या उसके बाद वो लोग उसके बाद एक्चुअली करना क्या चाहिए था बताओ अब ऑप्शन आप ही बताओ मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा इन्वेस्ट करना चाहिए था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं ये तो फिलॉसफी होगी ना कैसे बताओगे प्रैक्टिकल जैसे मैंने कहा था कि एक्सरसाइज करो पांच मिनट एफ करा, करा दो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है आठ परसेंट और महंगाई कितनी होती है लगभग थर्टी लैंड ले लेंगे डेवलप करेंगे जिससे करोड़पति बने वो क्या होती मुझे भी बताओ मैं भी सीखूंगा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी ले सकते हैं और तो पता है एक्चुअली अच्छा आप 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 दोबारा सोचो कि अगर आपको दोबारा एक करोड़ रुपया मिलता है तो कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था एट परसेंट तो सत्तर लाख का आठ परसेंट कितना हुआ फाइव पॉइंट सिक्स तो कितना हुआ पाँच लाख साठ हजार रुपये और साल का अगर इसको बारह से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना साल का ही हुआ साल का पाँच लाख साठ हजार रुपये मिल रहे हैं ना आपको अभी तो इन्फ्लेशन भी हमने कैलकुलेट नहीं किया है ठीक है तो पर मंथ कितना मिला लगभग साठ हजार साठ हजार कहाँ मिला पचास हजार उससे भी कम फोर्टी फाइव फोर्टी एट परसेंट मैं मना नहीं कर रहा मैं तो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि ऐसा अगर आपकी जिंदगी में होता है या कम पैसे के साथ भी होता है तो हमें कैसे सोचना है मैं तो आपकी सोच बदलने की बात कर रहा हूँ समझ रहे आप मेरी बात मैं आपको कोई ना डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो रियालिटी ऑफ लाइफ बता रहा हूँ कि रियालिटी ऑफ लाइफ क्या है क्या हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे ये तो मुश्किल काम है थोड़ा सा थोड़ा तो खर्चा करेंगे ही एक्चुअली पता आपको जो लॉटरी निकलती है कंपनीज होती हैं जो ये समझाती हैं कि कैसे पैसा खर्च करना चाहिए पता नहीं मुझे सारे पॉइंट्स याद आएंगे कि नहीं बट मैंने पढ़ा था मैंने ना काफी सारे वीडियोस देखे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना आपको वीडियोस मिलेंगे कि क्या लोगों ने किया जिनके पैसे बर्बाद हो गए और क्या लोगों ने किया जिनके पैसे नहीं बर्बाद हुए ऐसे वीडियोज भी हैं कि जो उसके बाद और अमीर हो गए ठीक है उसमें से एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगा था मुझे वो सब्वे या मैकडॉनल्ड में वो काम करता था तो उसने सब्वे का ही फ्रेंचाइजीज लेने की कोशिश की जो पहले लेना चाहता था उसका ड्रीम था वहाँ वो साल छः महीने काम भी करता रहा लॉटरी निकलने के बावजूद भी ताकि वो फ्रेंचाइजीज को समझ सके उसके बाद उसने फ्रेंचाइजीज लिए एक बंदी ने पोल्ट्री फार्म खोला किसी ने कुछ और खोल लिया कुछ लकी लोग ऐसे भी थे जिनकी दोबारा लॉटरी लगी वो तो बहुत ही रेयर था तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिकली क्या है जब आपको एक लाख रुपया पर मंथ मिलता है ना तो हम कूल डाउन हो जाते हैं वो गर्मी नहीं रहती दिखाने वाली क्योंकि तो हम तो नॉर्थ इंडियन हैं पंजाबी हैं तो बिना दिखावा करें मज़ा कैसे आएगा लोगों को पता भी तो होना चाहिए हम अमीर हैं टेंशन क्या लीजिए अब जैसे मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ अभी तो मैं होन्डा में यहाँ पे आया अगर मैं ऑडी में आता तो मैं ज़्यादा अमीर होता या मैं होन्डा में ज़्यादा अमीर हूँ ऑडी में है ना अमीर तो मैं होन्डा में हूँ बट लगता है अमीर किस में रेंज रोवर ऑडी जो भी है तो एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं रिच लुकिंग रिच हम लग रहा है कि हम क्या हैं अमीर होते नहीं है क्या हम बोलेंगे एक्चुअली हम क्या हैं रिच ठीक है एक ऑडी लेने का मतलब होता है लगभग एक लाख रुपया पर मंथ का खर्चा क्योंकि अगर आप किस्तों पर लेते हैं तो पचास साठ हज़ार की किस्त होगी फिर उसकी डेप्रिसिएशन होगी फिर कोई भी गाड़ी पाँच या आठ साल से ज़्यादा तो मिलती नहीं है और अगर आप पाँच लाख की गाड़ी भी लेते हैं तो उसकी किस्त लगभग वो बैठती है सात आठ दस हज़ार के आसपास उसके बाद उसका पेट्रोल और मेंटेनेंस बैठता है दस हज़ार के आसपास साल का खर्चा होता है लगभग दो हज़ार दो लाख दो लाख या पौने दो लाख के आसपास तो छः साल में आप पाँच लाख की गाड़ी में बारह लाख खर्च कर देते हैं चाहे हम इस बात को रियलाइज करें या ना करें ये मुझे कैलकुलेशंस बहुत पसंद है तो ही, मैंने ये सारी करके रखी हुई है कि हाँ ऐसा होता है सच में ऐसा ही होता है ठीक है इतना क्लियर हो गया ठीक है अब हमें करना क्या है ये तो हो गया ना आपको समझ तो आ गया कि अगर अचानक कंपनी एक करोड़ दे भी देगी तो आप लोग अमीर नहीं होने वाले समझ आ गया कि नहीं आया कितने लोगों को समझ आ गया फोटो खींच लो ठीक <laughs> है इतने लोगों को समझ आ गया कि अचानक पैसा आ जाएगा तो हम अमीर नहीं हो सकते कोई नहीं हाथ खड़ा कर दो भाई दोबारा एक बार <laughs> <laughs> कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए आई वॉन्ट टू कीप इट रियली वेरी सिंपल टू ग्राउंडेड ताकि समझ आ जाए जा एक बार समझ आ गया किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए शर्माइए हिचकिचाइए घबराइए नहीं क्योंकि मैं अच्छे से ही आंसर करूंगा कोशिश करूंगा कि और समझ आ जाए क्योंकि एक स्लैब प्रिंसिपल होता है स्लैब प्रिंसिपल का मतलब होता है अगर बेचती हो तो जल्दी समझ आता है बाकी किसी को याद रहे ना रहे उसको याद जरूर रहता है जैसे ललित भूल जाए लेकिन जिनको वो 500 का नोट नहीं मिला था और जो जाने वाले थे उनको जरूर याद होगा <laughs> क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं <laughs> याद है ना उनको जो 500 का नोट जिनको पिछली प्रेजेंटेशन आज भी पूछा था ना तो इसलिए स्लैब प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो बेजती वेस्ती छोड़ो करोड़ों की बात हो रही है ठीक <laughs> है सो so, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक बार हम हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है तो उसमें मनी स्किल्स करके हमने स्टार्ट किया था अब तो उसका नाम लाइफ स्किल्स कर दिया है तो उसमें कुछ डिस्कशन स्टार्ट हुई थी मेरी और एक और पर्सन जो उस ग्रुप में है तो उन्होंने जो डिस्क्राइब की उन्होंने यही डिस्क्राइब किया कि एफडी करनी चाहिए पीपीएफ करना चाहिए उसके बाद कोई सुकन्या योजना है उसमें लगाना चाहिए दिस एंड दैट तो उस योजना की प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक वो ये यो योजना बंदा इन्वेस्ट करता है जो सात आठ लाख वाला आदमी है वो तो पूरा ही हो जाता है वो कभी ढंग की जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता तो हमें कभी भी पैसे को पैसे की तरह नहीं परसेंटेज की तरह देखना चाहिए आपको अगर ये ना समझ आए तो मैं अगली स्लाइड पर नहीं जाऊँगा जब ये समझ आ जाएगा तभी हम अगली स्लाइड पर जाएंगे नहीं तो अगली स्लाइड पर जाने का फ़ायदा नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी तनख्वाह दस हज़ार है तो वो कितने परसेंट है हंड्रेड परसेंट अगर किसी की तनख्वाह एक लाख है तो वो कितने परसेंट है 100%. 100%. तो भी ही है ठीक है अब हमने बात की थी कि आपकी कंपनी आपकी तनख्वाह पांच गुना बढ़ा दे या डबल कर दे हमने ये दो चीजें बात की थी जब आपने ज्वाइन किया था जो लोग तीन साल से पुराने हो चुके हैं क्या उनकी तनख्वाह डबल हो गई यस और नो ठीक है और जो लोग गांव से थे या जो लोग सिटीज में भी थे जब वो नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड में थे अगर उनको कोई बोलता कि वो फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे वो सिंगापुर जाएंगे या वो मलेशिया जाएंगे या फिलीपींस जाएंगे क्या आप लोग विश्वास कर लेते नहीं।, नहीं।, नहीं कितने लोग विश्वास नहीं कर पाते हाथ खड़ा करो है ना तो मेजोरिटी लोग विश्वास नहीं कर पाते इसका मतलब क्या हम सपनों की जिंदगी जी रहे हैं यस और नो बट क्या हम खुश हैं yes. नहीं कितने लोग खुश हैं बताओ ठीक है तो इसलिए इसमें क्यों खुश नहीं है उसका कारण क्या है उसका कारण एक मैं बताता हूं एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं जो कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया था कि लोग ऐसा करेंगे जब पैसा आएगा उसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ पार्किंसन लॉ का मतलब होता है जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे बढ़ते हैं ठीक है थीके? और ये मेरे साथ भी होता था मेरे को पाँच साल मैंने कहा ना मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया और जो मुझे जानते हैं वो सच में ही मोक्ष प्राप्त हो गया मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ तो ये मोक्ष मुझे चार पाँच साल पाँच साल पहले प्राप्त हो गया था उसका रीज़न क्या था कि पाँच साल से मैंने अपना स्टैंडर्ड ही नहीं बढ़ाया तब मेरी सेविंग हुआ करती थी दो तो पाँच परसेंट अब मेरी सेविंग होती है फोर्टी परसेंट जो मतलब उससे भी ज़्यादा चलेगी जितनी ज़रूरत है बट अब मेरा खर्चा मेरी आदत ही नहीं रही खर्चा था उस हिसाब से करने की तो जब तक आप पार्किसन लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं आप अमीर नहीं हो सकते अगर विद एवरी इंक्रीमेंट आपके मन में पहले ही ये प्लान बन जाता है कि यह पैसा कहाँ ठिकाने लगाना है <laughs> कि कौन सा फोन आने वाला है या कौन सा खर्चा करना है क्या ट्रैवलिंग करनी है तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी अमीर हो सकते हो नहीं तो अगर आप में से कोई भी अमीर होना चाहता है उसको इस लॉ को तोड़ना ही पड़ेगा इसका मतलब यह है हम क्या करें तो करें क्या फिर ठीक है इनकम तो हंड्रेड परसेंट ही रहेगी वो कभी ना कम होगी ना ज्यादा होगी अगर बढ़ भी जाएगी तो भी कितने परसेंट रहेगी हंड्रेड परसेंट <laughs> तो जो लोग एक रुपए की वैल्यू नहीं करते और सौ रुपए की वैल्यू करते हैं वो एक्चुअली पैसों की वैल्यू नहीं करते बात समझ आ गई गहरी बात है क्या समझ आया बताओ नहीं करता मतलब बेसिकली कई बार क्या होता है जब हम क्या बोलते हैं आपने ये डाला हाँ बोलो बोलो यार ये तो फिलोसफिकल फंस गया। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था इसका मतलब ये है कि क्लैपिंग तो करो यार देखो इसका मतलब ये है कि हम पैसे की वैल्यू नहीं करते हम समझते हैं कि हम पैसे से हो गए बड़े, ठीक है अब पैसा जो है एक्चुअली वो श्रद्धा के लायक है या पूजा करने के लायक है अगर आप उसको पाओं की जूती समझेंगे तो वो थोड़े दिनों में आप भी वही बन जाएंगे तो अगर आप श्रद्धा से देखेंगे जैसे एक कोट है मनी इज़ ए वेरी गुड स्लेव एंड ए वेरी बैड मास्टर तो जब आपने लोन लिया होता है तो आपको बड़ा मज़ा आता है क्या जैसे किसी ने अगर ऑडी लिया है और वो ई एम आई पर लिया है और मैंने तो खैर ऐसे लोग देखे अपने क्लिनिक पे भी जिन्होंने ऑडी लिया है और वो ई एम आई पर लिया है तो जो ई दे रहा होता है उसी को पता होता है और कई बार ऐसा होता है जैसे एक बार एक नोन टू थे पायलट थे हमारे आसपास ही रहती थी तो उन्होंने गाड़ी ली और उसके बाद किसी वजह से उनकी जॉब चली गई तो वो गाड़ी फिर खड़ी रहती थी चल नहीं पाई क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि मेरा इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो इतना बड़ा घर तो होना ही चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी तो होनी चाहिए ऐसे कपड़े तो होने ही चाहिए तो जब तक ये वाला लॉ ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब पहला नियम जो आप अमीर होने के लिए बल्कि नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अब जो मेरा अगला इंक्रीमेंट आएगा या जो मेरी अगली इनकम बढ़ेगी मैं अपना स्टैंडर्ड यहीं रखूंगा उसको सेव करूंगा क्योंकि हम अमीर कैसे होते हैं सबसे पहले हमके हमारे पास क्या आएगा पैसा है ना इनकम आ गई और उसके बाद जो पहला काम होगा जो हमें अमीर बनाएगा वो है सेव क्योंकि बहुत बड़े इंसान हैं उनका नाम मुझे याद नहीं है जिन्होंने कहा था कि इफ़ यू कैन नॉट सेव मनी देन सीड्स ऑफ ग्रेटनेस आर नॉट इन यू इसका मतलब अगर आप सेव नहीं कर सकते तो आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते कम से कम पैसों के मामले में तो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा गैस करो सेव करने के बाद क्या करना पड़ेगा जो काफ़ी लोगों ने वर्ड यूज़ किया इन्वेस्ट मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट तो नहीं हूं बट छोटी मोटी चीजें तो बता ही सकता हूं और उसके बाद क्या करना पड़ेगा लाइफ को सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है हमने पार्किंसन लॉ को तोड़ दिया और अपनी बड़ी हुई इनकम के बाद खर्चे को क्या किया कंट्रोल में रखा या नहीं बढ़ाया हाँ तो हमने पैसा ठिकाने लगाने के बजाय उसे इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया गेटिंग माई पॉइंट अब जैसे ये जो फोटोग्राफ खींच रहा है ये सुरेंद्र मेरा असिस्टेंट है इसका भी पीपीएफ अकाउंट है ज़बरदस्ती खुलवाया था पूछ लो इससे <laughs> अब इसके पीपीएफ अकाउंट में भी लाखों के पास पहुंचने वाले हैं पैसे तो उसी तरह हमारे क्लिनिक में और लड़के भी हैं जिनके म्यूचुअल फंडस भी हैं पता नहीं आपके होंगे या नहीं मेरे बच्चों के भी म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे बच्चों का भी पी अकाउंट है बच्चों का सेविंग अकाउंट भी है और डेबिट कार्ड्स भी है और उनको इन सब चीज़ों का मतलब भी पता है उनको शेयर्स का मतलब भी पता है और मेरा बेटा साढ़े नौ साल का और बेटी गया साल की वाली है और बेटी है और बहुत पैसे कमाते थे। बहुत, मतलब दस हजार मिलते थे तो मेरे पापा की पे एक या दो लाख के आसपास थी जो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि कंपेरिजन हम ये अंबानी से थोड़ी करते हैं हमें तो रिश्तेदार और पड़ोसियों से ही करना होता है उन्हीं से करना होता है ना बट मेरे पापा बहुत सिक्रेटिव रखते थे मम्मी कभी पे भी नहीं बताती थी एक्जैक्टली exactly कितनी है। तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी क्योंकि तो हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है पैसे के बारे में सेक्स की तरह खुल के कोई बात ही नहीं करता <laughs> जब कोई कोई खुल के बात ही नहीं करेगा हमें समझ कहाँ से आएगा हमें क्या लगेगा क्या करना चाहिए गाड़ी क्या करना चाहिए बड़ा घर उससे क्या लगेंगे हम अमीर हो चाहे ना इतना समझ आ गया तो पहले तो जब आपकी इनकम कितनी है हंड्रेड परसेंट क्लियर है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा सेविंग, सेविंग. दूसरा स्टेप क्या होगा इन्वेस्ट और तीसरा क्या होगा सिंप्लीफाई अब जैसे सिंपलीफाई कैसे किया जैसे मेरी ये वॉच है ये रनिंग वॉच है मैराथन की है अच्छी कॉस्टली है बट जो मुझे पसंद थी वो इससे तीन गुना कॉस्टली थी मैं वो क्यों नहीं खरीद पाया इसलिए नहीं कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता सो कॉल्ड सोशल एंगल के हिसाब से ठीक है आई डोंट वांट टू गो इन टू नंबर एक्चुअली इसलिए मैं प्राइस नहीं बताना चाहता वैसे मुझे कोई शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती है चलो प्राइस भी बता देते हैं ये लगभग अठारह हज़ार समथिंग की है और जो मुझे पसंद है वो सत्तर हजार समथिंग की है तो वो सत्तर हज़ार समथिंग की भी ऐसी नहीं है कि मैं उसको खरीद लूँगा तो मेरा कोई बम गिर जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग बट फिर भी वो मेरी परसेंटेज में फिट नहीं होती तो मैंने वो नहीं खरीदी प्रॉब्लम क्या आएगी आपके अमीर आने आड़े बनने के कि आपको अपने आप को ना डिसिप्लिन करना पड़ेगा मैं कंट्रोल वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि कंट्रोल वर्ड एक नेगेटिव मीनिंग देता है हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा जैसे खाना सपोज कंपनी की तरफ से फ्री है तो हम क्या चार गुना गाजर का हलवा खा जाए तो उसके बाद पेट तो हमारा ही है <laughs> अभी हमने जो लंच किया वो बिल्कुल फ्री था उसमें हमारे कोई पैसे नहीं थे हम चार गुना खाएं या वन थर्ड खाएं या हाफ खाएं तो अगर हम चार गुना गाजर का हलवा खाएंगे तो एसिडिटी किसको होगी गाजर वालों को या हमें सेम इज ट्रू फॉर मनी ऑल्सो ठीक है अब परसेंटेज में आपको समझाता हूँ कैसे करनी है ये तो समझ आ गया विल मोर मनी विल मेक यू मोर हैप्पी ये और नो नो टिल वी डू नॉट इंप्रूव अवर साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर लेते हैं तो हम ज्यादा मनी को भी संभाल पाएंगे और करंट मनी को भी बेटर वे में इस्तेमाल कर पाएंगे दोनों ही जगह फायदा है अगर हम करंट स्टैंडर्ड पे रहते हैं तो भी हम खुश रह सकते हैं और ऊपर जाएंगे तो तो हम ज्यादा कर... तो मैंने क्या मोक्ष प्राप्त किया तो मैंने क्या पैसे कमाने कम कर दिए नहीं मेरी इनकम तो धड़ाधड़ बढ़ रही है क्योंकि सेविंग भी बढ़ रही है अब तो कहाँ मैं दो तीन परसेंट सेव करता था कहाँ फोर्टी परसेंट सेव करता हूँ तो स्टैंडर्ड मेरा सेम है तो मैंने वो सब कुछ इंक्रीज ही किया है डिक्रीज तो नहीं किया और मुझे तो पढ़ मैंने तो बल्कि तीन सेमिनार किए है पिछले साल में Uh, बारह महीने में मनी के ऊपर ही एक मनी सेमिनार किया दस हफ्ते का एक दूसरा मनी सेमिनार किया दस हफ़्ते का एक मुंबई में जाके सेमिनार किया तीन दिन का फ्लाइट पकड़ के मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनमें से बता रहा हूँ आपको तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विल मोर मनी तो नॉट विल फाइव टाइम्स मनी विल मेक अस हैप्पी समझ आ गया आपको ठीक है हो सकता है एक घंटा पहले आपकी सोच हो और हो सकता है अभी भी सेम ही हो मैं मना नहीं करता क्योंकि कई बार क्या लगता है हमारे पास इतना पैसा आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है तो बेसिकली जो मैंने रिपीट किया था मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ वो लोग अमीर नहीं होते जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग अमीर होते हैं जो पैसे को अच्छे से मैनेज कर ठीक है तो मैं आपको सिखाऊंगा पैसा मैनेज कैसे कर करते हैं एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे लेकिन आज पैसे नहीं मिलेंगे मैं पहले बता देता जाता हूँ <laughs> एक बंदा आ जाओ ठीक है ये गिन के बताओ कितने नोट हैं <laughs> तो कितने हो गए टोटल ट्वेंटी थाउजेंड तो मान लीजिए किसी की तनख्वाह कितनी है बीस हजार ठीक है अब सारे डब्बे तो इस पर पूरे नहीं आ रहे हम कुछ ऐसे रख लेते हैं ठीक है अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आप डब्बों में पैसे वैसे वैसे डालते जाना आप खड़े रहना पड़ेगा hmm. आपको थोड़े देर ठीक है अब ये तो नोट पुराने हो गए इनकी वैल्यू नहीं रही है ना <laughs> एक सौ और पचास को छोड़ के सो वाई सम पीपल आर रिच एंड वाई सम पीपल आर नॉट रिच सो वन ऑफ द रीजन रीजन तो आप समझ गए आई डोंट थिंक सो देर इज एनी प्रॉब्लम तो हमें क्या चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है टेंशन ना हो लोन ना लो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो आपका लाइफ है मान लो आपका लाइफ है पर मंथ थर्टी थाउजेंड पर मंथ फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ वन लाख टेन थाउजेंड वट एवर तो आपका जो खर्चा है वो किसी ऐसे सोर्स ऑफ इनकम से आए जो आपको काम ना करना पड़े वो शुरू में पॉसिबल नहीं होगा क्या ये 25 साल में कितने लोग हैं जब लगभग 25 साल में आसपास सबने नौकरी ज्वाइन कर ली होगी 25 में आप कब तक काम करेंगे एक्सपेक्टेड है कि 60 तक आप लोग काम करेंगे तो कितने साल काम किया आप लोगों ने 35 इयर्स क्या आप चाहेंगे कि 35 इयर्स के बाद आप किसी पर डिपेंडेंट हों पैसे के लिए यस और नो नो लेकिन कितने परसेंट लोग हैं सौ में से जो डिपेंडेंट होते होंगे वो गैस कीजिए सेवेंटी और नाइन्टी और सिक्सटी परसेंट एक्चुअल इज नाइन्टी फाइव परसेंट रियलिस्टिकली सच में जो नाइन्टी फाइव परसेंट लोग हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते अपने बुढ़ापे में अपने रिश्तेदारों को देख लो पापा मम्मी को देख लो ठीक है तो कितने परसेंट अमीर हुए लोग पांच. पांच में एक्चुअली जो रिच की डेफिनेशन होती है उसमें वन परसेंट आते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चार परसेंट लोग आते हैं तो आप किस में जाना चाहते हैं पचानवे में या पाँच में पाँच में तो वो कैसे जाएंगे वेन यू विल वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कब सेव करेंगे अभी और क्या करेंगे इन्वेस्ट और खर्चों का क्या करेंगे कम अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है कुछ लोग बिजनेस में चले जाएं कुछ लोग अपनी फार्मा कंपनी खोल लें कुछ लोगों की लॉटरी लग जाए कुछ लोगों को जायदाद मिल जाए जो भी हो जाए उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज तो वही रहने वाली है सपने वही ऑडी वाले रहने वाले हैं वही पाँच बेडरूम वाले रहने वाले हैं तो आपको कट डाउन तो करना ही पड़ेगा अगर आपका ड्रीम है कि थ्री बेडरूम हाउस हो उसकी जगह अगर वन बेडरूम या टू बेडरूम हो और आपका हार्ट अटैक ना हो ईएमआई से तो वो ज़्यादा बेटर है बताओ डायबिटीज़ है लोगों को शुगर है रात को टाइम पे नहीं सोते और बाय चांस किसी की जॉब चली जाती है कॉर्पोरेट में कि नहीं जाती किसी दोस्त की तो गई होगी कभी ना कभी या स्विच करनी पड़ती है कट डाउन होता है स्लो डाउन होता है तो उस टाइम क्या होगा अगर वो ई कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ई खत्म ही नहीं हो सकती होता है ऐसा कि नहीं होता यस और नो होता है ना तो अगर आपको पाँच परसेंट में रहना है तो क्या करना पड़ेगा सेव ठीक है और सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा इस स्टेप को आप नहीं भूल सकते क्योंकि मेरे को मोक्स जो प्राप्त हुआ था वो इसी स्टेप की वजह से हुआ था नॉर्मली मैं क्या करता था जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई मेरी इनकम बढ़ती गई मैं अपने शर्ट्स और पैंट्स के स्टैंडर्ड बढ़ाता गया अब नहीं बढ़ाए मैंने अब तो मेरा स्टाफ गवा है मैंने अब नहीं बढ़ाए मेरे पैंट का स्टैंडर्ड भी वही है शर्ट भी मैं वही उसी कंपनी के खरीदता हूँ जिसकी मैं पाँच साल पहले खरीदता था वो भी मैं सेल का वेट करता हूँ हर छः महीने बाद जो लगती लगती है और मैं जूते भी ख़रीदता हूँ रनिंग मैराथन के वो भी मैं सेल लगती लगती है घड़ियों का भी मैं इंतज़ार करता हूँ कि जब नेक्स्ट मॉडल आएगा तो पिछला सस्ता हो जाएगा फिर ख़रीदेंगे ये भी मैंने वैसी खरीदी है पहले पच्चीस तीस हज़ार की थी तो मैंने एक साल वेट किया जब मैंने पूरी मैराथन सब कुछ भाग ली फिर मैंने खरीदी गिफ्ट किया अपने आप को एक तरह से तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको मनी को बढ़ाना है तो एक्टिव तो देखो एक्टिव इनकम क्या है जो आप जॉब कर रहे हैं एक्टिवली आप जा रहे हैं तभी पैसा आएगा और उसके बाद जो हमें कंफर्टेबल बनाएगा वो पैसिव मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैसिव इनकम आ जाएगी तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी जैसे पेंशन क्या होती है पैसिव इनकम जो रेंट आता है वो क्या होता है और बताओ कोई पैसिव इनकम का जरिया इंटरेस्ट और जैसे बेसिकली कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है उसमें वो बोलते हैं बट वो पैसिव इनकम बहुत लेट आती है और बहुत कम लोगों को आती है मैंने भी करी हुई है <laughs> तो मेरे को सच्ची में मेरे को दो पैसिव इनकम्स आती है एक तो यूट्यूब से आती है जबकि वो सिर्फ दो तीन हज़ार रुपया पर मंथ आते हैं क्योंकि मेरे एक लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं ये भी शायद उसी पे जाएगा तो देखेंगे क्या रहता है कैसे रहता है तो होपफुली दिस विल वल्सो गो तो उससे मुझे दो तीन हज़ार रुपये आते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बीस तीस बन जाए और मेरे क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट मैम काम करती हैं और कुछ लोग और काम करते हैं तो वहाँ से भी मुझे पैसिव इनकम आती है तो मेरी इनकम का लगभग दस पंद्रह जो है अब वो पैसिव है एक टाइम पर तो नहीं था बट आई रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट पैसे भी आती है जैसे जो मेरा असिस्टेंट है आपको ऐसे ही लग रहा हो बीस हजार इनकम आती है इसको किराए की <laughs> <से> देख लो <laughs> <laughs> हाँ <laughs> 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 तो पैसे इनकम वो होती है जैसे मुझे याद है ललित ने भी पैसे इनकम के लिए कुछ जुगाड़ किया था दो तीन साल के लिए है ना तो पैसे इनकम का मतलब क्या है वो तो हमें कब स्टार्ट करना पड़ेगा अभी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी बिल्कुल कर सकते हैं मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं तो पैसिव इनकम से ये भी वैसे फ़ोटो ठीक नहीं है दारू पीने की ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे अमीर होंगे हम मनी को मैनेज करेंगे ठीक है अब डब्बा खोलो जी कौन सा है ये वाला खोलो है ना ये मंथली लगा लो है ना डब्बे बाकी नीचे रख देते हैं तो, तो मंथली खर्चा जो है वो कितना है पचास से पचपन परसेंट इसका मतलब क्या हुआ आपकी जितनी भी तनख्वाह है मुझे नहीं पता कितनी है तीस हज़ार है बीस हज़ार है पचास हज़ार है एक लाख है दो लाख है कोई एन एस एम है या कोई फर्स्ट लाइन है ठीक है या किसी ने ज्वाइन किया है स्टार्टिंग में किसी को इंसेंटिव मिला ही नहीं है पता नहीं इस बार इंसेंटिव मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ना कुछ भी हो सकता है बट ये खर्चे क्या बंद हो सकते हैं खाना पीना तो होगा ही घर का खर्चा होगा ही चाहे किराए का घर हो या वो हो ट्रैवलिंग भी होगी है ना और जिनके बच्चे हैं वो स्कूल भी जाएंगे नहीं जाएंगे तो आने वाले टाइम में जाएंगे ठीक है ये तो गर्लफ्रेंड का खर्चा होगा कोई ना कोई खर्चा तो होगा ही ना मोबाइल नया मॉडल लेना है जो भी है तो ये खर्चे तो होंगे ही अगर ये खर्चे 50 परसेंट से ऊपर हैं सबसे पहले मैंने इसी पे काम किया था आपने जब मैंने मोक्स प्राप्त किया था तो सबसे पहले मैंने इसी को कट डाउन करने की कोशिश की थी तो पहला होमवर्क तो आपको ये है कि आज आप कैलकुलेट करें कि आप कितना पैसा जो है कमाते हैं और कितना पैसा है जिसको आप खर्च किए बिना काम चला ही नहीं सकते सिर्फ यह कैलकुलेट करना है ये होमवर्क है एक तरह से क्योंकि इसके बिना फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी जब हमें पता ही नहीं करना क्या है ज्यादातर लोग उस पांच परसेंट में क्यों रह जाते हैं क्योंकि जब पूरी पैंतीस साल आपने पैसा कमाया उसके बाद भी आप डिपेंडेंट नहीं है तो लानत वाली बात होगी ना मनी मिसमैनेजमेंट हो गया ये तो प्योर मिसमैनेजमेंट ठीक है अब कई लोगों को ये फिगर बहुत ही ख़तरनाक लगता है कि पचास परसेंट में ख़र्चा कैसे चल सकता है हमारा तो तनख्वाह ही पूरी नहीं पड़ती है आप पचास परसेंट की बात कर रहे हैं बट इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे फ्रेंड्स हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हंड्रेड परसेंट चल रहे हैं तो उसको नाइन्टी नाइन कर दें नाइन्टी पर चल रहे हैं तो उसको एटी नाइन परसेंट कर दें सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि एक एक परसेंट से अपना खर्चा कम कर दें या फटाफट ही कट डाउन कर दें वही है मैं सुरेंद्र गवाह है पहली बार जब मैंने ये बनाया था तो सुरेंद्र याद है तेरे को सी का खर्चा दो ज़्यादा निकला था पर मंथ तो क्या हुआ उस टाइम हमारे पास आई गाड़ी हुआ करती थी तो सुरेंद्र और अ, हमें पता ही नहीं था सुरेंद्र सी एन भराता था और पेट्रोल भराते थे हम गाड़ी में घूमते थे और क्लिनिक पे जाते थे और कॉल्स अटेंड करते थे तो मैंने ये एक्सरसाइज़ खुद की अपने पाँच छः साल पहले तो जब मैंने एक्सरसाइज़ की तो सुरेंद्र और मैंने हम दोनों बैठे हैं मैंने कहा ये इतना खर्चा क्यों हो रहा है सी का सी जब हमने गाड़ी में लगवा रखी है तो उस हिसाब से जो खर्चा हो रहा है लगभग पर मंथ दो हजार का एक्स्ट्रा बैठ रहा है या पर डे सौ रुपए का एक्स्ट्रा बैठ रहा है क्योंकि बाईस तेईस दिन काम करते हैं आप छह सात दिन तो छुट्टी होती है तो हमने सीएन वाले से पूछा एक दो बार हम गए भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास पता करने के लिए तो कोई हमें बता नहीं पाया बाद में ये पता लगा कि जब आप रेस देते हैं कुछ छोड़ते हैं तो कट टक लगता है तो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि वो टक लगने के बाद ही सीएनजी लगती है उससे पहले ही वो पेट्रोल पे ही चल रही थी गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे चढ़ाते रहते थे ना सिर्फ इस बात से मेरा पर मंथ दो हजार रुपए बचने शुरू हो गए थे आज से छह साल पहले दो हजार मायने रखते हैं और आप दो हजार की उस टाइम आरडी कराते तो इस टाइम वो एक लाख से ऊपर हो चुका है ऑलरेडी पांच साल बीत चुके हैं पांच इंटू बारह कितने हो गए साठ महीने हो गए अगर उसने वो म्यूचुअल फंड में लगाया होता है या आरडी भी बनाई होती तो लाख रुपए के आसपास बन जाता वो तो दो हजार रुपए मेरे सिर्फ इस एक्सरसाइज करने से ही बच गए थे आपके भी जरूर बचेंगे मेरे सी एनजी से बचे थे हो सकता है आपके किसी और चीज से बच जाए हो सकता है आपको लगे कि एक नाइट आउट कम कर दें एक दारू का ब्रांड नीचे कर लें या पैक कम कर दें सिगरेट की डब्बी थोड़ी कम कर दें है ना कुछ भी हो सकता है इट इज़ अप टू यू मैं तो नहीं बता सकता तो ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है तो उस टाइम मेरे 2000 बचे थे जब मेरे लिए पैसे सच में बहुत मायने रखते थे अब भी रखते हैं बट हाँ अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ इन द सेंस कि जितने मेरे खर्चे हैं वो कम्पेरेटिवली मेरी इनकम से काफ़ी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल तभी मैं ये लेक्चर ले पाता हूँ मैं कोई हॉस्पिटल की कॉल्स अटेंड नहीं करता मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ मैं क्या क्या करता हूं तो मैं बताऊंगा बाद में वो तभी पॉसिबल हुआ जब मुझे फाइनेंशियल मोक्स प्राप्त हुआ प्रॉब्लम क्या होती है फिफ्टी परसेंट हस्बैंड वाइफ तो पैसों के लिए लड़ते रहते हैं ज्यादातर लड़ाई सिर्फ पैसों की होती रहती है तो जब तक ये चीज नहीं होगी आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते बिकॉज अपनी लाइफ को आपने क्या नहीं किया सिंपलीफाई समझ आ रही है बात तो ये एक्सरसाइज सबने करनी है जो भी अमीर होना चाहते हैं और पांच परसेंट में जाना चाहते हैं उनको आज ही एक्सरसाइज करनी चाहिए कि मेरी इनकम इनकम टैक्स लगने के बाद मेरे हाथ में कितनी आती है ये क्योंकि वो रिश्तेदारों को दिखाने वाली इनकम होती है जो आपके हाथ में आती भी नहीं है कि पैकेज मुंडे का चौबीस लाख है कट कटा के मिलता अठारह है तो वो अठारह ही है पड़ोसियों को आप चौबीस का अट्ठाईस बताइए तीस बताइए बट आपके लिए वो अठारह है समझ आ गई बात की नहीं आई तो इसमें कितने नोट डालेंगे बीस हजार में से डाल दो दस हजार पांच डाल दो फिर देखो नोट डालने वाले को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है देखो। ये लेकिन सारे मैं ले जाऊंगा डब्बा बंद कर दो अभी ठीक <laughs> है तो अगर आपका खर्चा इससे ज्यादा है तो इसका मतलब गड़बड़ है और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको मन की शांति रहेगी कि नहीं रहेगी किसी महीने कोई शादी आ गई या कोई खर्चा आ गया तो आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बाद क्या है अब मनी प्लांट लगाते हैं लोग घर में मेरी मम्मी ने भी लगाए हुए थे कई प्लांट खैर मेरी मम्मी तो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर थी मेरी मम्मी छुपाती थी कि वो टेंथ पास ढंग से नहीं कर पाई थी बट एक्चुअली मेरे पैसे पापा ने पैसा कमाया और मेरी मम्मी ने बढ़ाया और मेरी मम्मी ने कम से कम उसे तीन से चार गुना बढ़ाया क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज़ का बहुत शौक था डिस्पाइट नॉट इवन पासिंग टेंथ क्लास अब तो मम्मी दुनिया में रही नहीं तो इसलिए कुछ कर नहीं सकती मेरा यूट्यूब से तो उनकी आंखें ऐसी थी जो प्रॉपर्टी डीलर की ना हो देख के बता देती थी इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट इतना होगा इतना हम बोलेंगे और इतना कम हो जाएगा इतनी सेंस थी मेरी माता जी को इवन जो मैं क्लिनिक जो मैंने खरीदा हुआ है वो भी मेरी मम्मी ने डिसाइड की थी डील जो मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा था कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में वो भी मेरी मम्मी ने ही डील की थी मैं शायद सत्तर में मान जाता मेरी मम्मी ने वो पैंसठ में लिया था तो रुक जा गल कर <laughs> तो मनी मैनेजमेंट राइट नो आई एम रिच बिकॉज आई अंडरस्टैंड मनी वेरी वेल माय फादर एंड मदर आल्सो अंडरस्टैंड मनी वेरी वेल तो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दस परसेंट दस परसेंट का डब्बा निकालो रिटायरमेंट का वैसे मेरा ये फिगर ऑफ़ फोर्टी परसेंट है ये है। इसमें कितने नोट आएंगे तो so, कितना आएगा? ट्वेंटी थाउजेंड का 20, दो हजार तो इसका मतलब है कि अब हम फ्यूचर सेविंग कितनी करेंगे टेन परसेंट तो जो भी आपकी इनकम निकलेगी वो तो आपको पता होगी ऑलरेडी अब हो सकता है कि कुछ लोग सेव ऑलरेडी कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग सेव नहीं कर रहे हो तो दोनों के लिए क्या करना चाहिए जो लोग ऑलरेडी सेव कर रहे हैं दे शुड टारगेट टेन बट इफ यू ट्रस्ट मी टारगेट ट्वेंटी विद टाइम अभी ना सही अभी आप एक परसेंट से टारगेट करें कोशिश करें कि एवरी मंथ वन परसेंट इंक्रीज करें तो साल के एंड में कितना होगा बारह परसेंट क्वार्टर में एक परसेंट इंक्रीज करेंगे तो साल के एंड में कितना होगा चार परसेंट तो ढाई साल में कितना होगा टेन परसेंट तो आज नहीं भी हो पाया तो कम से कम दो ढाई साल में तो हो सकता है और अगर हम दो दो परसेंट करते हैं क्वार्टर में तो भी बीस परसेंट पर पहुंच सकते हैं और तब तक हमारे इंक्रीमेंट भी लगेंगे प्रमोशन भी होगी इंसेंटिव भी आएंगे तो उन सबको हम यहाँ ठिकाने लगा सकते हैं ठीक है बजाय ठिकाने लगाने के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाट द पॉइंट नहीं ताली बजाने का मन कर रहा है तो बजा सकते हैं बाद में। सो टाइम इज गोइंग टू आई आयल सेटल ऑन टाइम ओनली अब इस पर खर्चा नहीं करते लोग नॉर्मली क्या होता है जब हमारी प्रमोशन नहीं हो रही होती या हम बार बार इंटरव्यू देते हैं हमारा क्लैरिफाई नहीं होता तो लोग ना पैनल को गालियां देते हैं जहाँ सीट्स नहीं निकल रही सेटिंग होगी है ना देखो पत्ते सेट हो गए या तुक्का लग गया या इसकी तो जुगाड़ था जैक था वटेवर बेसिकली क्या होता है मान लिया पॉलिटिक्स होती है और होती है हमारे घरों में पॉलिटिक्स होती है दोस्तों में होती है तो कंपनी में क्यों नहीं होगी सब जगह होगी देश में पॉलिटिक्स होती है लेकिन सब जगह वैल्यूएबल लोगों की जरूरत होती है अगर आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि कंपनी को पता है कि आप उसको ग्रोथ देंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा वो कैसे मिलेगा जब या तो आप ऑलरेडी उस स्टैंडर्ड पे होंगे नहीं है तो अपने आपको उस स्टैंडर्ड के लायक बनाए और वो कैसे होगा सेल्फ एजुकेशन से आ, जो कंपनीज होती है नॉर्मली उनका जो बजट है थ्री परसेंट के आसपास एजुकेशन पे होता है जैसे ये वाला लेक्चर भी हो गया वैसे मुझे पैसे नहीं मिले इस लेक्चर के कोई तो Uh, ये मेरा वो है गिविंग उसमें से है मतलब मैं इतना टाइम दे रहा हूँ डोनेट कर रहा हूँ जो मैंने मोक्स प्राप्त किया उसको बांट रहा हूँ <laughs> तो फॉर्मल एजुकेशन जो है विल मेक यू ए लिविंग आपको उसने नौकरी दे दी सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्चून तो वो आपको अमीर बनाएगी ठीक है तो जो आपने स्कूल में पढ़ाई की वो बहुत अच्छी बात थी उसने आपको नौकरी दे दी कंफर्टेबल कर दिया अब आपका फ़र्ज़ है कि खुद को सेल्फ एजुकेट करें तो आज आपकी क्या हो रही है सेल्फ एजुकेट तो इस पर टेन परसेंट खर्च करना चाहिए क्या मैं करता हूँ हाँ पहले मैं तीन परसेंट करता था अब तो मेरे इस बार तो शायद बारह परसेंट हो गया तो मैंने भयंकर सेमिनार्स ख़रीदे हैं और मैं भयंकर चीज़ें सीख रहा हूँ लाइफ में तो सेल्फ़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल तो सेल्फ़ एजुकेशन है ही बहुत चीप आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख सकते हैं आप सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बुक्स में थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी किताब है और हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल बहुत अच्छी बुक है मैं लाया ना इस बार हमारे क्लिनिक पे लगभग लग ख़त्म हो गई नहीं तो मैं तो बेच भी देता हूँ सेमिनार्स से। फ्री नहीं देता बेचता हूँ क्योंकि मार्केटिंग करने में कोई बुराई नहीं है और वो भी मुझे सौ रुपये की पड़ सत्तर रुपये की पड़ती है तो देता हूँ मैं सौ रुपये लिखा पाँच डेढ़ सौ होता है बिकॉज़ बिजनेस सेंस हर जगह होनी चाहिए और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं आपको मिलेगी नहीं सौ की क्योंकि आप इकट्ठी ख़रीदोगे नहीं सत्तर रुपये की आपको मिलेगी नहीं मुझे मिलेगी क्योंकि मैं इकट्ठी सौ खरीदूंगा और मैंने क्लिनिक पर रखी हुई है पेशेंट्स के लिए और पेशेंट ख़रीद के लेके जाते हैं कम से कम 200 बुक्स बेच चुके हैं हम ऑलरेडी जबकि मैंने जब स्टार्टिंग में रखी थी तो स्टाफ वालों ने मजाक बनाया वो भी हंस हास ठीक है, <laughs> है? आ, उसके बाद क्या है मज़े भी करने चाहिए बोले ये क्या प्रेजेंटेशन हुई डॉक्टर साहब ने तो सारी जिंदगी का मज़ा ही खराब कर दिया <laughs> हाँ ये ये भी इम्पोर्टेंट तो आप इंजॉय वाला डब्बा निकालो भाई प्ले मैंने तो प्ले लिखा भाई प्ले वैसे वर्ड थोड़ा गलत हो जाता है प्ले बॉय भी हो जाता है कुछ और में। तो इसमें कितने पैसे डालेंगे डालो जी टेन परसेंट डालो जी कितने पैसे डाले दो हजार तो इसका मतलब है अगर हमने पैसा कमाया और मजे नहीं लिए तो क्या होगा हमारी आत्मा ही अंदर से मर जाएगी बोले जी किस ले रहे हैं क्यों जी रहे हैं तो दस परसेंट खर्चा करो जो दिल करता है वो खर्चा करो जो आपका मन करता है Only 10. अगर आप अपनी औकात से बाहर जाएंगे तो फिर बैंड बजेगी फिर उसमें दो तरीके हैं आईदर यू एजुकेट यू आर सेल्फ टू ए लेवल दैट यू आर टेन परसेंट रियली बिकम्स बिग और जैसे मैंने पिछली बार एक बार प्रेजेंटेशन ली थी सनफार्मा में ली थी सिनर्जी ओ सायरस में तो उसमें क्या हुआ मैंने उसमें थोड़ी ज़्यादा हैवी प्रेजेंटेशन ली थी मतलब तो हैवी इन देंस खिंचाई ज़्यादा की थी समझाया कम था तो मैं अपनी फॉर्म में था उस दिन जो कॉलेज वाली होती मेरी तो उसमें बेसिकली लोगों ने कहा कि फिर फायदा क्या पैसा कमाने का मतलब मजे ही खत्म हो गए तो मज़े नहीं ख़त्म करना चाहता उसमें लोगों ने कहा कि ड्रीम्स ही नहीं लेने चाहिए अब ऑडी क्या जब आप सेवन एथ में थे ऑडी आपका ड्रीम था नहीं तो ड्रीम्स भी ना दो तरह के होते हैं एक सोशल ड्रीम होता है और एक होता है हमारा सपना सोशल ड्रीम होता है दुनिया हमें सिखाती है एड्स हमें सिखाती हैं घरवाले हमें सिखाते हैं कि तू अब अमीर हो गया अब तुझे ऐसा करना चाहिए अब तेरी एक करोड़ की लॉटरी लग गई है तो तेरी ऑडी गाड़ी तो होनी चाहिए कितने लोगों कि अगर किसी के एक करोड़ की लॉटरी लग जाएगा अगर वो ऑडी खरीद ले उसको वो कोई बेवकूफ़ बोलेगा नो बडी बट है क्या वो बेवकूफ <laughs> तो इसलिए टेन परसेंट अगर आपके एक करोड़ की लॉटरी लग जाए तब भी आप दस लाख उठा सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा आपने उड़ा दिया तो आपने मुर्गी मार दी तो अंडे कहाँ से आएंगे So 10%. तो यू न इन्जॉय टेन परसेंटेंटेंट वो भी लोगों को लगता है जब बच्चे नहीं पूछेंगे और बुढ़ापे में देखो जब ज्यादा पैसा होता है ना तो बच्चे भी पूछते हैं <laughs> और एक्चुअली एक्चुअली देखो आपने कितना सेव किया टेन परसेंट आपने उड़ाया कितना टेन परसेंट तो इतना दुख कहाँ है अगर आपने टेन की जगह ट्वेंटी उड़ा दिया तो क्या होगा ट्वेंटी उड़ा सकते हैं उन्हें से ज्यादा तो उड़ा ही नहीं सकते वैसे तो कितने लोग होंगे जो टेन परसेंट भी नहीं उड़ा रहे होंगे इस टाइम फंसे होंगे टाइम नहीं मिलता या पैसा मिसमैनेज हो गया या ऐसा कोई लोन ले लिया जो इसमें फंस गए आपका सवाल बड़ा जायज़ है मैं ये नहीं कह रहा कि मजे नहीं करो अब जैसे उसमें क्या हुआ था उसमें कहा कि ट्रैवलिंग ही नहीं होगी ये नहीं होगा उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था मैं खुद अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसी नहीं लास्ट ईयर जून में मैं खुद फ्रांस गया था घूमने के लिए डिजनी वाले ट्रिप पे गया था जिसमें हम डिजनीलैंड भी गए और हम पेरिस में भी रहे वहाँ पे भी हमने अपना सिंप्लीफाई रखा स्टैंड क्योंकि अगर फुल थ्रॉटल में हॉलिडे मनाया जाता जैसा हम इंडिया में मनाते हैं एज ए फैमिली तो उसको अफोर्ड करने के लिए मुझे दो तीन साल और वेट करना पड़ता क्योंकि वो मेरी परसेंटेज में फिट नहीं होता मैं तो ये परसेंटेज बिल्कुल नहीं तोड़ता चाहे जो मर्जी टूट जाए तो इस बार मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने कहा देखो फ्रांस जाना है तो दो ऑप्शन है आदर यू वॉन्ट टू लिव इन फाइव स्टार और यू वॉन्ट टू लिव इन फोर स्टार या मैनेजेबल ठीक है डिजनी लैंड में तो चलो हम फाइव स्टार में रुक जाएंगे बच्चों का हॉलीडे है लेकिन छह डायरेक्शन की तो कहाँ से मेट्रो में जाना है कैसे करना है सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया हाँ लोगों से हमने क्या फीडबैक सुना था कि फ्रांस के लोग ना बड़े रूड हैं इंडियंस के लिए खासकर बट हमें वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली हमें वो लोग मिले जिनके जिनसे एक्चुअली लोग टूरिस्ट मिलते नहीं है नॉर्मल लोग जब हमने उनसे कुछ पूछा उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया ये मेरा नहीं मेरी फैमिली का भी फीडबैक था वहाँ के जो वेटर्स थे वहाँ के जो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग थे वो जरूर रूड थे बट एक्चुअली लोग रूड नहीं थे तो लोगों को बच्चों को उस मेट्रो में जाने में ज़्यादा मज़ा आता था कनेक्टिविटी भी अच्छी थी इतनी भीड़ भी नहीं थी जितनी इंडिया में होती है तो कम्फर्टेबल था तो मैंने बाकायदा एक फेसबुक पर बड़ा सा आर्टिकल डाला था कि कम पैसे में कैसे घूमें तो मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो गई थी कि ये आर्टिकल डालने की क्या ज़रूरत थी <laughs> और मतलब उसके बाद आप मानोगे नहीं तीन चार डॉक्टर्स ने मुझे फ़ोन किया कि हम भी सोच रहे हैं कैसे पैसे बचाएँ <laughs> और मैंने बकायदा रिसर्च की कि ट्रैवलिंग में तीन खर्चा होता है एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है एक रहने का खर्चा होता है एक खर्चा होता और एक खाने का तो अगर आप एयरबीएन बी में रुकें और खुद खाना बनाएं या स्प्राउट्स खा के काम चला लें तो वो जो खाना आपने पाँच छः हज़ार का खाया है वो पचास रुपये में भी निपट सकता है जो चने आपने पानी में उबाल लिए और काम तो कांट डू दैट पेरिस जाके तो मेरे को तो बहुत मजा आया और यूट्यूब मिलेंगे वर्ल्ड ट्रैवल विदाउट स्पेंडिंग यू मनी यू गो यू वर्क देयर एंड यू अर्न मनी एंड यू एंजॉय अभी डिपेंड करता है अदरवाइज आपको कितना वेट करना पड़ेगा कम से कम पंद्रह बीस साल नहीं जाएं। नहीं जाएं। वो एक अलग बात है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप टॉपिक नहीं समझ रहे मेरा कहने का मतलब ये है कोई बात नहीं दैट इज़ वेरी गुड वो सवाल तो पूछ रहा है बाकी तो सोच रहे होंगे पूछ नहीं रहे आज से पाँच साल पहले अगर मुझे जाना होता तो मैं नहीं जाता क्योंकि वो मेरी परसेंटेज में फिट नहीं होता था अब परसेंटेज में फिट होता है तो हम जा सकते हैं दूसरी बात यह है आप सब लोग तो फ़ॉरन रिटर्न है ठीक है क्या उसके बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई नहीं हुआ ना एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं अडाप्ट रिस्पॉन्स जब बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा और जब बहुत कुछ बुरा होने लगता है तब भी हमें लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा जब वो बात खत्म हो जाती है तो हमें लगता है ठीक ही था उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं रहती तो ये जो वैल्यू है जब हम किसी चीज चीजें लड़कियां ही होती हैं जब वो गर्लफ्रेंड नहीं बनती तो लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा जब वो बन जाती है तो लगता पता नहीं ये क्या हो गया तो <laughs> so, जब चीजें नहीं मिली होती ना तो वो बहुत वैल्यूएबल लगती हैं Uh, क्यों अब छोड़ो पैरिस के बारे में पैरिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि बस ठीक है मतलब हो गया ना अब इसके बाद ऐसे हॉलीडे और भी हो सकते हैं तो बेसिकली परसेंटेज में ही रहे चीज़ें तो ज़्यादा ठीक रखती है उससे फायदा ये हुआ कि आने के बाद मुझे कोई पर्सनल लोन नहीं देना था अगर आप पर्सनल लोन पे हॉलीडे करने जाते हैं तो इससे ज़्यादा सुसाइड नहीं हो सकता फाइनेंशियल सुसाइड जिसको बोलते हैं बिकॉज बहुत लोगों का ड्रीम है जो जिन लोग जो लोग अनमेरिड हैं कि हमारी शादी होगी तो हम फॉरन डेस्टिनेशन पर ही हनीमून करेंगे अगर मैं अपनी पर्सनल रियलिटी बताऊं तो मेरे फादर से हमें स्विट्ज़रलैंड का हॉलीडे जो था वो अलाउड था और हम लोग गए कहाँ थे डलौजी क्योंकि मेरा सपना था कि मैं जाऊँगा ना तो अपने पैसे से जाऊँगा अपने पिताजी के पैसे से नहीं जाऊँगा जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पता नहीं जो अभी था ईगो थी वट एवर द रीज़न बट मैंने इस बार जब फ्रांस की बात की थी तो पहले मैंने स्विट्जरलैंड की ही बात की थी तो मेरी बेटी ने कहा पहाड़ मुझे अच्छे नहीं लगते इसलिए हमने फ्रांस चेंज किया और वाइफ ने कहा मुझे पेरिस पसंद है तो वो जो चौदह साल पहले वाला हॉलीडे था तो हमने अब काटा तो चौदह साल के बाद जो हमारी जवानी थी वो खत्म हो गई अब के नहीं आ, पूरी थी <laughs> <laughs> बल्कि उस हॉलीडे में मुझे ज्यादा मजा आता जहाँ बाप फोन करता कितना खर्चा हो रहा है या मैं सोच रहा होता कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं वेन यू डिसाइड यू डोंट वॉन्ट टू हैव इट वेन यू डिसाइड यू कैन ऑल्सो जब आपको लगता है कि आप ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते या मैं फ्रांस में फुल महंगा हॉलीडे भी कर सकता था हाँ क्यों नहीं कर पा रहा था अपनी परसेंटेज की वजह से क्योंकि मैं डिसिप्लेंड ही रहना चाहता हूँ आउट ऑफ द बोर्ड नहीं जाना चाहता गेटिंग पोर पॉइंट तो अगर आपने यूरोप भी घूमना हो सिंगल बंदे ने एक लाख में मस्त मस्त ठीक है उसके बाद है ये फिगर शायद काफी मुश्किल लगे कि अपने कोई पूरा नहीं पड़ता तो दूसरों की मदद कहाँ से करेंगे हम है ना मेरा ये फिगर लगभग चार पाँच परसेंट के आसपास है दस तो नहीं है मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में मैं दस करूँ इतना मोक्स प्राप्त नहीं हुआ कि मैं दस कर दूँ बट मेरा रियल फिगर अराउंड फाइव परसेंट के आसपास है जो मैं डोनेट करता हूँ डोनेशन में सिर्फ आप पैसा ही डोनेट नहीं कर सकते आप टाइम डोनेट कर सकते हैं जैसे लेक्चर भी उसी का पार्ट है प्रेजेंटेशन भी उसी का पार्ट है ये ठीक है उसी तरह गुरुद्वारे में जैसे आप लंगर सेवा करते हैं बर्तन माँजते हैं वही बर्तन सला कोई घर में बोले माँज दे तो इसलिए सेवा करना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेवा घर से शुरू होनी चाहिए ट्राई टू हेल्प यूर फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट इफ़ यू आर मैरिड योर वाइफ फर्स्ट देन ट्राइंग टू हेल्प अदर्स इन द सोसाइटी लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं दूसरों की मदद करने पहले चले जाते हैं पहले घर वालों की मदद तो कर लो सो स्टार्ट फ्रॉम योर होम चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम सो वो डब्बों में डालो यार भूल गए हम इंजॉयमेंट वाला डब्बा प्ले वाला डब्बा हो गया था उसके बाद क्या है हेल्पिंग अदर्स गिव गिव होगा एक गिव डब्बा इसके ऊपर रख देना इसमें कितना का नोट डाल रहा है बताओ जी बीस हजार में से दो हजार तो कितने परसेंट हो गया ऊपर तो रख दो इसको ठीक <laughs> है उसके अलावा और भी डब्बे हैं एक डब्बा और रह गया है कौन सा है ये एजुकेशन वाला था इसमें भी दो एक नोट इसमें डाल दो हाँ इसमें डाल दो एक और भी बताता हूँ किसका एजुकेशन वाला टेन परसेंट हो गया ठीक है उसके बाद वो दूसरे वाला डब्बा लास्ट वाला निकाल लो एक उसमें एल लिखा होगा लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग वो आपका ड्रीम हॉलीडे भी हो सकता है आपके घर की ई भी हो सकती है घर का डाउन पेमेंट भी हो सकती है आपकी कार की पेमेंट भी हो सकती है जो आप चाहते हैं ठीक है डाल दो बेटा इसमें भी एक तो फिफ्टी मैं आई वुड लव इफ यू कैन कीप इट 50 जो बहुत रिच लोग होते हैं थे कीप इट ट्वेन एंड आई नो पीपल हु आर एट पर्सनली आई नो समीपल तो बट आई एम एट सिक्सटी सिक्सटी तो नहीं फिफ्टी फिफ्टी से नीचे है मेरा भी हाँ सेविंग मेरा भी है तो आई एम ऑल्सो बिलो फिफ्टी बिलो फिफ्टी क्या बिलो फोर्टी से नीचे हूँ मेरे को तो एक्सपेंसिस so, जो हैं वो फिफ्टी के आसपास ही रहने चाहिए फ्रीडम टेन परसेंट बट आई विल रिकमेंड ट्वेंटी परसेंट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी रिच मेक इट ट्वेंटी परसेंट लॉन्ग टर्म डाउन पेमेंट हमें बच्चों के एडमिशन कराने होंगे शादी करनी होगी फॉरन हॉलीडे पर जाना होगा इवन जब मेरा अपने बेटे का स्कूल का एडमिशन होना था तो मैंने आर खोली थी दो की आ, एक साल के लिए तो चौबीस हजार रुपये हो जाएंगे उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी बट दैट वॉज ए गुड आइडिया कि जब वो खर्चा आएगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी जब आपको आपने पैदा कर ही लिया है तो फिर स्कूल तो जाएगा ही <laughs> ठीक है और ये डोनेशन ज़रूरी है अब ये मैं समझा नहीं सकता जब आप करेंगे तभी आपको मजा आएगा और डोनेशन भी मेरा हम्बल सजेशन है स्टार्ट कैसे करो सौ रुपये से जीरो अंडा मत रखना इसको सौ रुपये से करो दस रुपये से करो एक रुपये से करो लेकिन करो ज़रूर और वहां करना जहां आपको अच्छा लगता है या जहां से आपको शांति मिलती है मंदिर में मिलती है मंदिर में करो गुरुद्वारे में मिलती है गुरुद्वारे में करो किसी के एजुकेशन में हेल्प करके मिलती है एजुकेशन में करो अपने वाइफ को दे के हेल्प मिलती है वहां करो लेकिन करो ज़रूर स्टार्ट सौ रुपये से करो स्टार्ट वन परसेंट से करो कहीं से भी स्टार्ट करो जो आपको लगता है कि नहीं इतना पैसा तो मैं ऐसे ही फेंक दूँ तो वहाँ से स्टार्ट करो जैसे एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करो पाँच मिनट से पाँच मिनट तो सभी निकाल सकते हैं उसी तरह सौ रुपया भी हर कोई निकाल सकता है थैंक यू क्लैप क्लैप फॉर नाम क्या आपका ना। सौरभ देखो तो आपने नोट डाले ना आपको ज़रूर याद रहेगा बाकी किसी को याद रहे ना रहे ठीक है ये मेरी सिस्टर का पेज है अगर आप उसका फाइनेंशियल पेज लाइक मेरा नहीं है मेरी सिस्टर का ये बेसिकली फाइनेंशियली फ्री मिलने करके उसने पेज बनाया है तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डालती है उसमें भी यही डब्बे लगे हुए हैं ठीक है ये मेरी सिस्टर है तो समझ आ गया आपको बात तो हमारी फैमिली में रन करता है ये बेसिकली अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे तक रिस्ट्रिक्टेड है आ, उसके अलावा मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ मैं बता देता हूँ <coughs> देखो एक तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ हैप्पीनेस विल नेवर कम टू अप्रिशिएट वट दे ऑलरेडी हैव इसका क्या मतलब हुआ बताओ हिंदी में जो हमारे पास अभी है अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो आने वाले समय में जो भी हमारे पास आएगा क्या हम उससे खुश होंगे नहीं नहीं। लोग मानते नहीं है एक घंटा पहले मैं पूछता तो आप भी नहीं मानते अब घंटे बाद आप बदल गए हैं ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आज करंट की इनकम से आपको लगता है तो मैं फंसा हुआ हूं तो ट्रस्ट मी अगर आपकी इनकम पाँच गुना बढ़ जाएगी दस गुना बढ़ जाएगी पंद्रह गुना बढ़ जाएगी तब भी आप फंसे ही होंगे वो कैसे निकलेंगे जो वर्ड नाम शैलेश था आपका शैलेंद्र जैसे शैलेंद्र।, शैलेंद्र ने कहा था जब तक हमारी हमारी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी हमारा सेल्फ एजुकेशन इतना नहीं होगा कि हम उस पैसे को हैंडल कर सकें तब तक पैसा हमारे पास टिकेगा नहीं वो चला जाएगा आ जाएगा तो भी चला जाएगा या तो आएगा ही नहीं आएगा तो भी चला जाएगा सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर तो ये जितने भी डब्बे नज़र आ रहे हैं आपको सब में ही आपने स्टार्ट कर देना है और ये डब्बे ना फिजिकली आपको घर में दिखने चाहिए ये डब्बों पे लेक्चर मैंने अपने घर में अपने बच्चों का भी लिया हुआ है और मैंने प्लान किया था मैंने सोचा था आज लेक्चर लेना ही लेना है तो रात के दस बज गए थे और खत्म हुआ था पौने बारह बजे बच्चों ने इतने सवाल पूछे थे मैं बेहोश हो गया था उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि पापा सारे पैसे बचाई लिए तो ऐश कब करेंगे ठीक है तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया था मैंने कहा आपके पापा आपको ऐश करा रहे हैं है। बोली हाँ करा रहे हैं तो मैंने कहा अगर मैं सारे पैसे खर्च कर दूँ तो मैं ऐश ही ना कराऊँ फिर देन दे देडरस्टंड ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं उस पर आ जाता हूँ मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ ये हमारा ओरा स्क्वायर करके एक वेबसाइट है जहाँ पे जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं मेरे बनाए हुए वो सारे इस पर हैं जो मैंने अपने फ्रेंड के साथ बनाए थे इसमें हैप्पी लाइफ पे भी वीडियो है अब तो ये पुरानी स्लाइड है इसमें हैप्पी लाइफ पे भी है मास्टर पेशन पे भी है जो आपको पसंद हो आप देख सकते हैं ये यूट्यूब का चैनल है मेरा इसमें डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ हैं ये ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक से है या डॉक्टर राजीव शर्मा आप टाइप करें तो वो भी आ जाता है बिकॉज अब लगभग एक वीडियो पाँच एक वीडियोज़ हैं और साढ़े लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और करेंटली तो फिफ्टी थाउजेंड व्यूअर्स पर मंथ है तो इसलिए नाउ इट इज़ रियली गुड और वो इनकम तो है ही जो दो तीन हज़ार पर मंथ की पैसिव रॉयल्टी इनकम जो आती है ये मेरा फेसबुक का पेज है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक जहाँ से आ, मैंने एक बार टेकटॉक देखी थी कि जो डॉक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं पेशेंट वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैंने ये पेज बनाया था कि जो लोग चाहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है अब मैं पर्सनल लाइफ तो नहीं बट अगर कोई रनिंग है या कोई साइकैट्री की नॉलेज है या मैंने कोई नया वीडियो बनाया तो मैं उस पर अपलोड करता हूँ और पेशेंट्स आके मेरे से शेयर करते हैं कि उन्होंने देखा उन्होंने बताया तो ये मेरी कोशिश थी अपनी ब्रांच को कुछ वापस देने की बट इसकी वजह से मेरी ओपीडी पी डी डबल होगी जो मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैंने सोचा था यूट्यूब से शायद एक पेशेंट मुझे आएगा पर मंथ बट राइट नाउ तीन से चार नए पेशेंट आते हैं पर डे सो आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम स्टैंडिंग एट एज ऑफ फोर्टी टू वेयर आई वुड हैव बिन स्टैंडिंग एट द एज ऑफ सिक्सटी अगर मैंने गिव ना किया होता तो वो एक्चुअली गिव था उस टाइम जब प्लानिंग हुई थी पहली बार तो वो मेरे पैसे से थी बट बाद में फार्मा लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया सन फार्मा ने भी सपोर्ट किया था एक बार उसमें तो मेरे आज तक उसमें पैसे नहीं लगे चैनल पे जितने भी वीडियोस आज भी जैसे वीडियो बन रहा है तो मेरे पैसे नहीं लग रहे इट हैज़ बिन सपोर्टेड बिकॉज इट कम्स इन द प्रोटोकॉल ऑफ एजुकेशन तो गिफ्ट देने से बहुत फ़ायदा होता बहुत मेरे तो इनकम कहाँ पहुँच गई और जो मैं फ्री हो गया वो अलग अब मैं कॉल्स नहीं अटेंड करता किसी हॉस्पिटल नहीं जाता सिर्फ अपने क्लिनिक पर बैठता हूँ ये साइकैट्री का पेज है जो मैं पढ़ाता हूँ ये ड्रीम्स कम ट्रू का पेज है ये मेरा साइकिलिंग का पेज है डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज़ क्योंकि मैं खुद मैराथन रनर हूँ तो मेरी डे वन से लेके आज तक की जर्नी है कल जो मैंने वॉक की होगी वो भी इसमें अपलोडेड होगी संडे का जो हमने भागे थे ये रनिंग डायरीज हमारा फेसबुक ग्रुप भी है अगर कोई भागना चाहता है तो क्योंकि मेरा मेरा मन करता है कि जो भी है सब बांट दो और बांटने से बहुत इज्जत मिलती है और बहुत कुछ बढ़ता है और पैसे भी बढ़ जाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें मैं पार्टिसिपेंट हूँ मैं एडमिन नहीं हूँ इसका एडमिनिस्ट्रेट ये हमारा अपना ग्रुप है रन फॉर फन इसका ललित भी पार्ट है और ये फैट टू फिट है ये हमारा ग्यारह लोगों का ग्रुप है जो लोग वजन कम कर रहे हैं तभी मेरा तेरह किलो वज़न कम है पिछली बार से जब मैं प्रेजेंटेशन लेने आया था क्रेडिट गोस टू दैट ग्रुप और ये साइकिलिंग का ग्रुप है ये वीडियोज़ फॉर पेशेंट्स हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को सेंड करता हूँ ये मनी स्किल्स का ग्रुप है हमारा ये मेरी पहली हाफ मैराथन है जो मैंने 2015 सितंबर में भागी थी ये मैं फिर बेटे भी बच्चे भी वही करते हैं जो आप करते हैं मेरे बेटे की ये थ्री किलोमीटर की रन है ये मेरी सिस्टर है और ये मेरा भानजा है जो दस किलोमीटर भाग चुका है ये मेरा बेटा है जो पाँच किलोमीटर भाग चुका ये मेरा छोटा भानजा है ये भी तीन किलोमीटर भाग चुका है ये मेरा बेटा है अगली रेस में जिसमें पाँच किलोमीटर उसने भागा था ये लिखा हुआ है फाइव के ये मैं उसके साथ हूँ इसने कहा था कि पापा मैं पाँच किलोमीटर करना चाहता हूँ बट आप ही के साथ करूँगा तो मैंने कहा ठीक है एक एक रजिस्टर करते हैं जिसमें हम दोनों होंगे तो जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे तो आपके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे फिर ये वो थ्री किलोमीटर वाला है ये हम हैदराबाद गए थे इसमें इन दोनों बच्चों ने पाँच किलोमीटर भागा था और लगभग चार पाँच हज़ार लोग भागे थे और पहले सौ तो में आए थे ये दोनों दे तो रियली रन फास्ट और ये मैं और मेरी सिस्टर हैं इसने ट्वेंटी वन किलोमीटर्स पूरा किया था हैदराबाद में मैंने ट्वेंटी वन किया था फोर्टी टू सॉरी मेरे सिस्टर ने ट्वेंटी वन पॉइंट वन किलोमीटर पूरा किया था और मैंने फोर्टी टू किलमीटर्स पूरा किया था ये सो आई में ये फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर्स है मेरे को पाँच घंटे पचपन मिनट लगे थे ये प्रदीप ये तीन लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मैराथन पहली बार हाफ मैराथन भागी ये गोवा में मेरी सिस्टर है ये मेरा ब्रदर इन लॉ है ये भी हाफ मैराथन भाग चुका है ये मेरा फ्रेंड है प्रदीप जो मेरे साथ गोवा गया था हमने गोवा में फुल मैराथन भागी ये ललित है जिसको आप जानते होंगे ये ललित ने टेन किलोमीटर भागी थी ये ललित तो और मैं है ये कब की फोटो है ये इस संडे की फोटो है जो संडे गया है ललित तो और मैं इकट्ठे दस किलोमीटर भागे थे और कल भी हम सुबह प्लान कर रहे हैं सोलह किलोमीटर भागने का ओपन इन्विटेशन है किसी में दम है तो आ जाना <laughs> ये हमारी संडे के फोटो है ये सुरेंद्र है जो फोटो खींच रहा था और ललित ये पीछे ये मैं हूँ ये बाकी लोग हैं ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं सारे तो सारे मेंबर्स एक साथ तो नहीं भाग पाते कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक कोई यहाँ भाग रहा है कोई लंदन में भाग रहा है और कोई हैदराबाद में भाग रहा है और एक ही दिन भाग रहे हैं और सारी फोटोज़ इकट्ठी अपलोड हो रही हैं दैट इज़ एन ऑसम फीलिंग ये मेरा सबसे पहला रनिंग फ्रेंड है uh, ये साइकिलिंग है एक बार हम वन थर्टी किलोमीटर साइकिलिंग पे गए थे ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं ये हमारा स्टाफ ऋषिकेश गया था ये मैंने बंगी जंपिंग की थी ये मैंने सोसाइटी में लेक्चर लिया था कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम कुछ करें हुआ कुछ नहीं मैं अकेला ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ अपने घर में बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी आ, uh, ये एन में लेक्चर लिया था बच्चों के लिए ड्रीम्स कैसे होते हैं इसमें मेरी बेटी भी बैठी हुई है नज़र नहीं आ रही ये बॉम्बे में मैं एक बार गया था मैं फार्मा की तरफ से गया था किसी काम से बट मैंने वहाँ पे एन में एक लेक्चर लिया था ड्रीम्स पे बच्चों ने ड्रीम ड्रीम्स बुक बनाई थी एक हफ़्ते बाद जो मैंने चेक की थी जिसमें जिसमें लिखा हुआ है मुझे पुलिस बनना है मैंने उनको सिखाया था कि ड्रीम्स कैसे लिखते हैं उसका एक अलग लेक्चर होगा एक डेढ़ घंटे का ये उन्होंने लिखा हुआ अपनी फ़ोटो लगाई है मैं डॉक्टर नाहिद शेख हूँ ताकि बच्चे भी वैसे ही सपने लें क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है जी में ना कई बार वो ऐसे सिखाते हैं जैसे तरस खा रहे हो दे हैव फुल पोटेंशियल दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू ये मैंने अपने बिटिया के स्कूल में लेक्चर लिया था सेक्शुअल अब्यूज़ पे कि बच्चे कैसे बच बच्च सकते हैं अगर कोई उनको तंग करता है कैसे हेल्प लेनी है ये ओल्ड एज में लेक्चर लिया था इसमें लोग पैसों की बात नहीं कर रहे थे इसमें लोग बात कर रहे थे कि घर वाले नहीं पूछते मैं अकेला रह गया ये है वो है दिस एंड दैट तो रिटायर कभी नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में हमेशा काम करना चाहिए मेरा तो ड्रीम है या तो मैं भागते हुए मरूं या फिर मैं प्रेजेंटेशन लेते हुए दैट इज़ माय ड्रीम डेथ ये पुलिस वालों का लेक्चर लिया था जो खड़े होकर सुन रहे हैं <laughs> क्योंकि नींद पे बात हो रही थी इनको नींद नहीं आती <laughs> लेक्चर हैप्पी लाइफ पे था बट नींद पे ही ख़त्म हो गया था ये ग्रैंड पेरेंट्स का लेक्चर है स्कूल में इस ये यूट्यूब पे भी है और इसमें ग्रैंड पेरेंट्स रोए भी थे कि आजकल हम अपने पोता पोती को हाथ नहीं लगा पाते जो भी है दिस एंड दैट इट इज़ वेरी इमोशनल लेक्चर काफ़ी लोग रोए थे इसमें ये मेरा बेटा बेटी है हम ये स्वच्छ भारत में जो सफाई करते हैं पार्क में जहाँ हम भागते हैं ये लड़कियों का लेक्चर है जो मैंने रोमांस पे लिया था भारतीय कॉलेज में <laughs> उसके बाद अगले दिन मुझे मैसेज आया था सर योर सेमिनार वॉज ऑसम फर्स्ट टाइम आई एवर इन्जॉयड एनी सेमिनार यू डिड ए ग्रेट जॉब एंड यू आर ए ग्रेट पर्सन ऑल्सम अब रोमांस की बात करोगे तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे <laughs> 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 ये गूगल का एक सेमिनार जो हमने अटेंड किया था ये बैंगलोर में मैं अपने खर्चे पे फार्मा के खर्चे पे नहीं अपने खर्चे पे गया था मार्केटिंग का सेमिनार अटेंड करने के लिए ये लद्दाख गया था मैं अकेला घूमने के लिए ये एक बार ये ट्रिप पता कितने का ये पाँच हज़ार का ट्रिप है चार दिन का और ये जो कपड़े हमने पहने हुए हैं ये किराए पर लिए हुए हैं ये धोला को हमें मिलते हैं माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट से हज़ार रुपये में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हम लेकिन मज़ा बड़ा आया था तीन तीन फुट की बर्फ़ थी उत्तराखंड की फोटोग्राफ्स हैं ये ट्रिप भी ग्यारह का था जिसमें हेलीकॉप्टर राइड भी इन्वाल्वड है ये मनाली का है सर ये लद्दाख की फ़ोटो है ये मेरे बच्चे हैं ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये मेरी वाइफ है और ये हमारा पैरिस का ट्रिप है डिज्नीलैंड ये पैरिस और ये, ये आईफिल टावर से मैंने अपनी वाइफ की फ़ोटो खींची हुई है ठीक है तो यहीं ख़त्म करेंगे <laughs> ये हमारा क्लिनिक का वेबसाइट है ये फेसबुक का पेज है Clinic, ये ब्यूटीफुल पैंट क्लिनिक यूट्यूब है ये मेरा फ़ोन नंबर है ठीक है एंड आई विश यू ऑल बिकम फाइनेंशियली फ्री तो क्या, क्या क्या करेंगे अब uh, एक एक करके बता दीजिए हाथ खड़ा कीजिए कौन बताएगा क्या क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप्स क्या क्या होंगे जल्दी बताओ एक एक करके मैंने बोला है देखो डिसिप्लिन होना चाहिए बोलो ललित बताओ खड़े हो गए जल्दी ज़ोर से बोलो ठीक है तो आपने सीखा कि हम क्या करेंगे परसेंटेज में डिवाइड करेंगे ठीक है ठीक है एनी वन एल्स बैठ जाओ एक एक चीज बतानी नहीं बताओ रिटायरमेंट में ट्वेंटी परसेंट सेव करेंगे ठीक है और क्या सीखा बस 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 टेन परसेंट एंजॉय दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे ना तो आपको मजा ही नहीं आएगा पैसे कमाने का पैसे उड़ाने का भी अलग ही मजा है सेल्फ एजुकेशन टेन परसेंट सेल्फ एजुकेशन में टेन परसेंट खर्च कैसे करोगे बहुत मुश्किल काम है ये इतना आसान नहीं है हम्म, खर्चे रिड्यूस करेंगे फिफ्टी परसेंट में खर्चे या सिंप्लीफाई करेंगे एनीथिंग एल्स फाइव अगर पांच परसेंट नहीं कर सकते ना ट्रस्ट मी स्टार्ट विद हंड्रेड रुपीज मनी नहीं खर्च कर सकते गिव योर टाइम गिव योर ओल्ड बुक्स गिव योर ओल्ड स्वेटर्स यू विल फील गुड कोई ज़्यादा कोई भी काम करना है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हम बोलते हैं टाइम नहीं है या पैसा नहीं है ना टाइम दो ना पैसा दो अपने पुराने कपड़े दे दो तो उससे भी काम चल जाएगा ठीक है सो डोंट गो फॉर बिग बिग थिंग्स हमें कोई साधु या मॉरली खतरनाक इंसान नहीं बनना है वी आर नॉर्मल ह्यूमन लेट बींगट बी नॉर्मल बट ट्रस्ट मी अगर आप दोगे तो आपको बहुत मिलेगा ये सच बात है एनीथिंग एल्स किसी ने कुछ सीखा टेन परसेंट ई एम आई का मैं बता देता हूँ आपको बुक्स में लिखा होता है घर की ई एम आई चालीस परसेंट हो सकती है बट इफ यू गो बाई माई स्टैंडर्ड इट विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस परसेंट से ज़्यादा ई एम आई नहीं होनी चाहिए और व्हीकल की ई एम आई दस परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर व्हीकल की ई एम आई दस परसेंट से ज़्यादा होती है तो वो आपकी औकात के बाहर है पच्चीस परसेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बाई चांस नौकरी में कभी कोई दिक्कत आ जाए कुछ हो जाए तो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है मैंने पेशेंट्स देखे हैं लोगों को शुगर हो जाती है डायबिटीज़ हो जाती है ब्लड प्रेशर हो जाता है हार्ट अटैक्स हो जाते हैं नींद नहीं आती रात आता क्या करना है तो अगर आप दो बेडरूम की जगह एक बेडरूम ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कुछ बोलेगा ना एक ही बार बोलेगा जब आप बुलाओगे वो क्या भी होता है मकान का जब होता है फंक्शन उसके बाद थोड़ी कोई बोलेगा ठीक है तो दैट इज ठीक है और कुछ सिंप्लीफाई लाइफ like. देखो जर्नलाइज कॉन्सेप्ट जो ललित जो भी कॉन्सेप्ट जर्नलाइज है ना वो अप्लाई नहीं हो सकता सिंप्लीफाई लाइफ में सबसे पहले पता क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप वन जो आपने करना है सबसे तो पहले आप देखो आपके हाथ में पैसा कितना आता है सबसे पहला काम तो ये करो आज कि कितना पैसा एग्जैक्ट कितना अमाउंट आपके हाथ में आता है सब कुछ कट कटा के ठीक है उसके बाद करंट परसेंटेज उसकी क्या है ठीक है हमारी टारगेट परसेंटेज क्या है और इस प्रोसेस को हम अचानक तो अचीव कर नहीं सकते हो सकता है दो साल लगे हो सकता है पाँच साल लगे हो सकता है दो महीने लगे बट हम इसको अचीव करके रहेंगे क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी उस पचानवे परसेंट में चले जाएंगे जहां हम नहीं जाना चाहते कहां इन्वेस्ट करना है कैसे इन्वेस्ट करना है बताता तो मैं वो भी सकता हूं बट फिर वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा टेक्निकल हो जाएगा पैसे इनकम बेटा देखो अगर आप टेन परसेंट अगर जो पीपीएफ का मुझे फंडा याद है पाँच हज़ार रुपये पर मंथ अगर आप पैंतीस साल तक बचाते हो तो कितना बनता है एक साल के पैंतीस साल के बाद बताओ एनी लाख बट एक्चुअली पता मिलता पता कितना है एक करोड़ एट्टी परसेंट जो है उसमें वो होता है हाँ इंटरेस्ट होता है तभी मैं वो ट्वेंटी परसेंट का फिगर कह रहा था आपको क्योंकि अगर आप ट्वेंटी परसेंट फिगर से सेव से करते हैं तो आपकी एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग इनकम इतनी ही रहेगी जो लाइफ स्टाइल आज आप कर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तब भी तो पीपीएफ में एक्चुअली 20% परसेंट आपने डाला होता है और 80% परसेंट आपको क्या मिला होता है इंटरेस्ट इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो लगती है एक्चुअली 10 से 30 साल के बाद तो इसलिए जब म्यूचुअल फंड्स करने हों या इंडेक्स फंड लेने हों या कुछ भी करना हो उसका आप अब हमने एक घर लिया था वो वन पॉइंट सेवन लाख लाख समथिंग का था जो अब करोड़ों में है तो कितने टाइम बढ़ गया लगभग तीस गुना कितने साल में एट्टी फोर में लिया था कितने साल हो गए बत्तीस तो कंपाउंडिंग का भाई तीस बत्तीस साल में जो आपके पापा ने घर लिया होगा जिसमें आप रहते होंगे उसके ऊपर देखना कितनी कंपाउंडिंग आई है बट कितने साल में आई है बीस साल तीस साल में पिछले तीन साल से तो प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी घट के भी पचास परसेंट ही हुई है ना अगर प्रॉपर्टी पैंतीस गुना बढ़ी होगी तो सत्रह गुना तो फिर भी बड़ी हुई है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा जो है वो बीस साल से पहले आता ही नहीं है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको पहले आप अपनी इनकम कैलकुलेट करो फिर देखो कि आपकी परसेंटेजेस कितनी हैं फिर टारगेट परसेंटेजेस क्या हैं और उसका रोड मैप कैसे बन सकता है खर्चे अगर कम नहीं हो सकते तो कम से कम बढ़े ना और आने वाले इंसेंटिव और आने वाली जो इंक्रीमेंट्स हैं वो सारे इस तरफ ट्रांसफर हो जाए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कोई सवाल है तो बताइए हाँ हाँ और आपने कहा करो जितनी कर सकते हो हाँ। वो बंदा रुपए खर्च कर करता है वो खाना उसका ठीक नहीं है रहना उसका ठीक नहीं है जगह कम पड़ती है तो वो क्या करे कि बाद में नुकसान ना करे देखो जो आप बात कर रहे हो ना वो थोरिटिकल बात कर रहे हो अब मैं क्या बोलू मैं हमने मैंने वो ग्रुप शेयर किया था ना फैट टू फिट वाला yes. व्हाट्सएप मैं पता क्या खा के आया स्प्राउट्स खा के आया अपने क्लिनिक में तो उसमें तो ना घी डाला ना टमाटर टमा ना प्याज डे सुन लो ना एक बार जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि इतने पैसे कमाने का फायदा क्या अगर यही खाना है <laughs> अब तेरह किलो कम हो गया फिर भी लोग ये बोलते हैं अब मुझे समझ नहीं आता अब क्या मैं क्या चाहते हूँ उससे तो बेसिकली ये है कि जो हम बात कर रहे हैं ना जो खाना है उसमें भी बहुत पैसा बचाया जा सकता है हेल्दी खाने में सिगरेट हेल्दी नहीं होती दारू हेल्दी नहीं होती ठीक है उसके बाद पैक्ड फूड हेल्दी नहीं होते को, कोल्ड ड्रिंक हेल्दी नहीं होती पानी तो महंगा मिलता नहीं है दूध आपको पीना है प्रोटीन्स के लिए दालें खानी है आपको आपने कार्बोहाइड्रेट्स में चपाती खानी है सब्जी खानी है सब्ज़ियाँ चपाती महंगी होती है या बटर चिकन रोस्टेड और ये सब चीज़ें महंगी होती हैं मलाई पनीर उन सब से हार्ट अटैक होता है उसमें ओवर घी होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती कुछ लोगों को पता नहीं होगा फिफ्टी परसेंट ऑयल जो होता है वो खाने में ही होता है देखो देखो, देखो नशा दारू में भी है चुर। और चुर। मैं बता रहा हूँ एक मिनट हम पाँच बजे उठते हैं सुबह अभी मैं प्रदीप के साथ जो मेरा गोवा के साथ गया था अभी गोवा लद्दाख मैराथन निकली है जिसमें फुल मैराथन में मैंने और प्रदीप ने भागना है जो डिसाइडेड है बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि वो उसमें भाग सकें हमारे ग्रुप में से तो पाँच बजे उठ के तीन घंटे भागना आप दुख में तो नहीं भाग सकते यू हैव टू इंजॉय इट आफ्टर ए लेवल और अगर आप कभी बीस पच्चीस मिनट से ज़्यादा किसी ने एक्सरसाइज की होगी तो वो रनर हाई समझ सकता होगा हफीम बनती है बाकायदा बॉडी में और आपको मज़ा आता है तो वैन यू डू रेगुलर एक्सरसाइज और वैन यू मैनेज थिंग्स वेरी नाइसली तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है अब आप बोलो मुझे द्वारका में ही फ्लैट चाहिए बीस हजार में <laughs> तो वो पॉसिबल नहीं है तिलक नगर में चाहिए तो फिर भी पॉसिबल है। माई पॉइंट तो आपको वो फिर एरिया चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से ही रहना पड़ेगा अब आप बोलो कि मेरी तनख्वाह बीस हजार है और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जी डी में जाए दैट इज नॉट पॉसिबल ये वो एक फंडा है जस्टिफिकेशन का कि मैं कुछ भी खर्चा कर सकूं <coughs> कितने लोग हैं जो ऐसा कमा पाते हैं रियली में डायलॉग्स क्या होंगे एक ही जिंदगी मिली है अभी नहीं जिया तो क्या किया है ना दिल की सुनो।, सुनो ये सारे ऐड में भी आते हैं <laughs> मेरे बच्चे मुझे बोल रहे थे हमारे घर में जो टीवी है वो 32 इंच का है तो वो मेरे पीछे पड़े हैं कि 60 इंच या 50 इंच का टीवी ले लो अब मैं तो टीवी देखता नहीं मैंने 4-5 साल पहले छोड़ दिया तो आपको पता ही नहीं पापा दूसरों के घरों में कितने गड़े -गड़े टीवी है। अब मेरे पे भी ये काफी कहर बरसा हुआ है वो परसेंटेज में फिट होगा तो मैं ले दूंगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लिमिट तो करना ही पड़ेगा आपको लगता है कि मुझे लिमिट नहीं करना पड़ता होगा तो आपकी गलत है जब मेरी वाइफ को पता होता है कि ये कुत्ता चाहे तो खर्च कर सकता है तब भी नहीं करता <laughs> आपको समझ आ रही बात एक बात तो यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं खर्च नहीं कर सकता एक है कि मेरे पास पढ़ा है और मेरा डिसिप्लिन खर्च नहीं करने दे देना वो सिचुएशन और भी मुश्किल होती है अभी तो है मेरे पास बीस हजार है और मैं चाहता हूं मैं तीस हजार खर्च करूं मैं तो कह रहा हूं मेरे पास वो पचास हजार है जो चाहिए और मैं खर्च सिर्फ तीस ही कर रहा हूं अब बीस हजार की तनख्वाह है वो एंड्रॉयड फोन भी लेगा फेसबुक भी करेगा व्हाट्सएप भी देखो जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीजें हैं ना वो मुफ्त हैं दोस्त हवा बाली, पानी बाली। ये सब मुफ्त हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इनकी हम वैल्यू नहीं करते और जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे हैं आप नहीं मानोगे जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं ना वो उससे ज्यादा कंफर्टेबल हैं जो राजा कभी किसी जमाने में हुआ करते थे अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ये हमारी प्रॉब्लम है हमारी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है एग्ज़ाम्पल रिपीट कर रहा हूँ मेरा फेवरेट एग्ज़ाम्पल है हम कश्मीर गए थे तो हम शालीमार बाग जो भी बाग है वहाँ पे गए वहाँ पे वो जहांगीर के टाइम का बाग था वो तो मेरी बेटी ने कहा कि राजाओं की क्या जिंदगी होती होगी तो मैंने कहा बेटा ये बताओ राजा को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता होगा दो महीने या डेढ़ महीने हम कितनी देर में आए दो घंटे में फ़्लाइट से ठीक है हम होटल में रुके वहाँ एसी भी लगा हुआ है पंखा भी लगा हुआ है राजाओं के टाइम ना एसी था ना पंखा अभी आपने बाहर खाना खाया इतनी वैरायटी तो साले राजा को नहीं मिलती होगी एक टाइम पे तो राजाओं की जो जिंदगी होती थी और राजा हार्ट अटैक से मरते थे उस टाइम भी मोटे ताजे होते थे अब आम आदमी क्या है मोटा ताजा राजाओं की जिंदगी जी रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो राजाओं की जिंदगी जी रहा है वो और चाहता है वो और चाहता है वो और चाहता है इसी में वो मरी जाता इस और की कोई लिमिट नहीं है मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप हंड्रेड परसेंट को फिफ्टी परसेंट नहीं करेंगे आपका मन करता है ना आप सेल्फ एजुकेट करो तरक्की करो किसने रोका थोड़ी है अगर आप कंपनी में टारगेट पे टारगेट अचीव करोगे तो आपको कंपनी प्रमोशन नहीं देगी ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप टीम लीडर हो और आप अपने नीचे तीन प्रमोशन करा दो आपकी प्रमोशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता प्रॉब्लम क्या होती है कि बार लीडर प्रमोशन ही नहीं कराना चाहता इन सिक्योरिटी की वजह से इस चक्कर में उसकी अपनी भी नहीं होती इस कमरे में कोई ऐसा नहीं है जिसको बीस हज़ार में से पाँच हज़ार खाना खाना पड़े और दिक्कत है अरे गवर्नमेंट स्कूल में मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उसमें क्या बम गुरी अगर मेरा स्टैंडर्ड कम होता तो मैं अपने बच्चों को खुशी खुशी सरकारी स्कूल भेज देता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उससे स्टैंडर्ड मेरा बहुत ऊपर है मुझे कोई चेंज करने का कोई शौक कुछ नहीं करना मैं अभी ठीक से स्कूल में ही पढ़ता था दैट इज़ फाइन पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है अभी जिनके बच्चे नहीं हुए वो नहीं समझ पाएंगे जिनके बच्चे होंगे वो स्कूल के पीछे जान दे देते हैं लाख, लाख, कोई फायदा नहीं है देखो ता सर टाइम है कि नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर दो वो हो गया वो जो मेन था बेसिकली क्या होता है बच्चे पे आपने पैसा लगाया टाइम थैंक यू सर तो रेडी

आने वाले टाइम के साथ मैं चाहता हूँ कि जितनी नॉलेज है वो सारी पार्ट दी जाए ऑनलाइन में कैसे करूँगा कब करूंगा मुझे भी नहीं पता बट माय फ्यूचर गोल्स थैंक यू